तो टीम हडल चलता हुआ और जब खेल की शुरुआत होगी आपके सामने आंखों देखा हाल लेकर मुखातिब होने जा रहे हैं चंद्रकांत शेडे। चंद्रकांत, इसके पहले आप माइक पर शुरुआत करें, नया सीजन और नया कॉम्बिनेशन किरण पवार और जगत सरकार। क्या बात है, काफी बढ़िया। किरण पवार महाराष्ट्र रायगढ़ के पनवेल तहसील के सावले विलेज को बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रिंस ऑफ तारकेश्वर पश्चिम बंगाल के एक लोकप्रिय खिलाड़ी जगत सरकार, पिछले 2-3 सालों में काफ़ी प्रभावित किया है उन्होंने अपने बल्लेबाजी से, और जिस तरह से राष्ट्रवादी ट्रॉफी घाटकोपर में जो परफॉर्मेंस दिया था, बेस्ट बैट्समैन की किताब से नवाजे गए थे, उसके बाद अगर देखा जाए तो नगर अध्यक्ष ट्रॉफी डहानू में भी काफ़ी बड़ा क्रिकेट खेला था, सुप्रीमो ट्रॉफी में भी इस सीजन काफ़ी अच्छा क्रिकेट उन्होंने भी खेला है। इस साल सुप्रीमो ट्रॉफी में इकलौते ऐसे बल्लेबाज है किरण पवार जिन्होंने पहली गेंद पर छक्का जड़ा था। तो ये दोनों खिलाड़ियों के पास काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी काबिलियत है, और इसी कारण एलके स्टार राजकोट गुजरात जैसी बड़ी टीम में बतौर प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर आए सर। और देखिए, जब भी बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं लीग फॉर्मेट के, अमूमन आप एलके स्टार की एंट्री को देखते हैं। लखन भाई बड़ा क्रिकेट खेलने में विश्वास रखते हैं, और ये डगआउट का सीन आप देख रहे हैं जहां पर पूरी एलके स्टार टीम को आप देख रहे हैं। लखन भाई वहां पर आप नजर आ रहे हैं, हल्की सी दाढ़ी बढ़ा दी हुई है लखन भाई ने, उनके बाजू में सरोज प्रमाणिक, किरण पवार और जगत सरकार। चंद्रकांत, इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ियों को ड्रेसेस दिए गए इसके बारे में जरूर हमने एक बार बात की थी, दूसरी बार जरूर करना चाहूँगा। देखिए, जब आप गर्मी में, सर्दी में, बारिश में कहीं भी खेलते हैं, कपड़े आपको ऐसे पहनने चाहिए जो फैब्रिक आपके बॉडी को सूट करे, और 70-70 ने पिछले कुछ सालों में इसमें आमूलाग्र परिवर्तन लाया है। दे हैव कम अप विद अ फैब्रिक दैट सूट्स योर बॉडी। काफ़ी बेहतरीन, सराहना करनी होगी, इसीलिए पूरे भारतवर्ष में काफ़ी फेमस हो चुके 70-70, और 70-70 की कपड़े हो, 70-70 की टूर्नामेंट हो, 70-70 का लाइव कवरेज हो, ये सभी में 70-70 ने अपनी एक जगह बना ली है पूरे भारतवर्ष में। गेंदबाजी के लिए जिन्हें मुंबई के फिरकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, गेंदबाजी के लिए अनिकेत सानप आ चुके हैं जो महाराष्ट्र मुंबई अंधेरी डीएन नगर से बिलोंग करने वाले गेंदबाज, बल्लेबाजी के लिए पश्चिम बंगाल के काफी मशहूर खिलाड़ी जगत सरकार, बल्लेबाजी के लिए मगर उनको रोकने के लिए फिरकी के जादूगर है अनिकेत सानप। इस मुकाबले की शुरुआत होती हुई अनिकेत, पहली गेंद अनिकेत की टपा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई पहली गेंद घूमती हुई है, जादूगर है फिरकी के, नाम है अनिकेत, बिंदी गेंद से शुरुआत की है, देखिए बहुत अच्छा टर्न और बाउंस दोनों लेते हुए, इतना अच्छा टर्न और बाउंस अनिकेत को मिला, मुझे ताज्जुब है कि नीलेश दादा बिंद्रा ने आज विक्रांत चव्हाण को मौका क्यों नहीं दिया, ही कुड हैव बीन अ गेम चेंजर। ओ, इस बार भी थोड़ी सी हवा बहकी गेंद जरूर थी, इस बार जड़ में की थी अनिकेत ने ये गेंद, और इस गेंद को कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे, थोड़ी देर हवा में गेंद थी मगर भाग्यशाली रहे वहां खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, मगर एक रन जरूर मिलेगा। थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई शुरुआत, जगत सरकार के उस शॉट में आत्मविश्वास थोड़ा सा कमता हो सकता है क्योंकि आप एक नए वेन्यू पर खेल रहे हैं, लाइट में खेल रहे हैं, और सुबह आप जब नींद से उठते हैं तो शाम को जब आपकी टीम का खेलने का वक्त आता है ऐसे टाइम पे फोकस करना बहुत जरूरी है। दूसरी ओर किरण पवार, सुप्रीमो, क्रिकॉन जैसी बड़ी टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन को दिखा चुके हैं, इस सीजन में बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं, बारिश के क्रिकेट में भी बहुत प्रभावी क्रिकेट। सर, टेनिस क्रिकेट में बहुत कम बार देखने मिलता है कि पारी की शुरुआत स्पिनर से की जाती है, ये अनिकेत सानप ऐसे गेंदबाज है, 90s के दशक में दीपक पटेल से न्यूजीलैंड टीम ने शुरुआती ओवर किया था। इस बार और एक अच्छी गेंद अनिकेत सानप द्वारा, रीड कर रहे थे बल्लेबाज को और उस तरह से गेंदबाजी कर लेते हैं, और एक रन यहां, अभी भी कसी हुई गेंदबाजी कही जाएगी अनिकेत सानप द्वारा छोटे रनअप पर। और सुप्रीमो का जो टाइटल जीतकर अब जब वो यहां उतरे हैं
तो वो भी कुछ खट्टी मीठी यादें लेकर जब खिलाड़ी आते हैं कि वी हैव वन इंडियाज बिगेस्ट टूर्नामेंट, लेट्स ट्राई फॉर दिस एज वेल, वो कॉन्फिडेंस। दो बार टाइटल जीता था। ओहो, इस बार अनिकेत बेहतरीन गेंद, जगत सरकार के लिए जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं अनिकेत, सराहना करनी होगी। बिल्कुल बांध दिया है इस तरह की गेंदबाजी जगत के लिए। इस बार देखिए कितना घूमी थी अंदर की तरफ, बहुत ही बढ़िया ऑफ ब्रेक गेंद लेफ्टी बैटर के लिए। लेफ्टी टू लेफ्टी मुकाबला आज की शाम ग्रुप बी का पहला मैच। ओहो, इस बार भी घुमाव देखने मिला। इस बार अनिकेत सान अपने अपने तेवर दिखाते हुए हर एक गेंद को अलग तरीके से कर रहे हैं, अलग तरीके से गेंद को घुमा रहे हैं, और जगत सरकार जैसे धाकड़ बल्लेबाज को मानो बांध दिया है, इस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं अनिकेत सान। परिसर वायलिन आर्टिस्ट के हाथ में अगर बो दे दी जाए, मतलब प्यारे लाल भाई का एक वीडियो है, एक प्यार का नगमा है, उन्होंने 3 मिनट बजाया है, बिल्कुल किसी वायलिन वादक से कम नहीं है। जिस तरह बो वायलिन पर फिरने के बाद एक सुंदर संगीत आता है, वैसे अनिकेत सानप की उंगलियां जब बॉल पर घूमती है तो उसका भी जो एक इफेक्ट है वो महसूस किया जा सकता है। जगत सरकार में भी काफी बड़ा टैलेंट है, क्षमता है, बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब भी रहते हैं, आज यहाँ खेलना होगा। मगर जिस तरह से उन्हें बांध रखा है अनिकेत सानप ने अपनी फिरकी के जाल में, तो देखना होगा किस तरह से कमबैक करते हैं अनिकेत सानप हर एक गेंद। और इसीलिए पूरे भारतवर्ष में आज अगर स्पिनर्स का नाम अगर हम लेते हैं तो उनमें पहले 5 में अनिकेत सानप शुमार है। नो बॉल दिया गया है, फ्री हिट आएगी। अनिकेत सानप के साथ ये एक समस्या काफी सालों से रही है, ओवर स्टेपिंग ऑन इज रन अप, और ये फ्री हिट की बॉल जगत सरकार के लिए अब एक छुपा हुआ ऐसा न्योता। ओहो, इस बार भी अनिकेत ने जगत को रोका है, मौका था बड़ा स्ट्रोक लगाने का, मगर फिर एक बार फिरकी का जादू अनिकेत सानप का। देखिए इसे कहते हैं अनिकेत का दूसरा टप्पा, खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई गेंद नेचुरली गेंद अंदर की तरफ आती है लेफ्ट आर्म स्पिनर की, और इस तरह इस वक्त बाहर की तरफ लेके गए, चाइना मन जिसे कहते हैं। और इस बार पॉइंट की दिशा में इस गेंद को खेला अनिकेत सानप का एक बेहतरीन ओवर यहां हमें देखने मिला। जिस तरह से गेंदबाजी की अनिकेत सानप ने पहले ओवर में अगर देखा जाए तो अनिकेत ने सिर्फ 4 रन खर्च किए। क्या कहेंगे हरीश सर इस ओवर के बारे में, अनिकेत सानप मुंबई के जादूगर आज दिल्ली में अपने स्पिन गेंदबाजी का जोहर दिखाते हुए। देखिए वो काफी समय चोटिल भी थे और क्रिकेट से दूर थे, उन्होंने अपनी चोट के ऊपर विजय हासिल की, प्रैक्टिस की, क्रिकेट में वापस आए और ट्राइडेंट न्यू मुंबई को जो टाइटल मिला सुप्रीमो का दूसरी बार, उसके वो अहम सदस्य भी रहे। पहला ओवर मेरे ख्याल से पूरा बोलबाला ट्राइडेंट न्यू मुंबई का रहा है, लेकिन ये क्रिकेट है, एल के स्टार कहते हैं ना, तारे तो केवल रात में ही टिमटिमाते हैं, रात का अब सुरूर शुरू हुआ है और आशा करते हैं कि अब दूसरे ओवर में एल के स्टार टिमटिमाए। गेंदबाजी में नए गेंदबाज आते हुए मोहम्मद इमरान, मराठवाड़ा को बिलोंग करने वाले गेंदबाज, काफी बढ़िया खिलाड़ी है, अरफन मोला खिलाड़ी है, गेंदबाजी के लिए इस टीम में जगह बनाते हैं बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में। आज देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह से शुरुआत की है अनिकेत ने उसी की शुरुआत को आगे लेके जाना चाहेंगे। मगर दूसरी तरफ जगत सरकार और किरण पवार, इन दोनों खिलाड़ियों को अब ज्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकते, और देखना होगा क्योंकि 6 ओवर का मुकाबला है, 1 ओवर तो हो चुका है पावर प्ले का, और इस पावर प्ले में दूसरे ओवर में देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी यहाँ होगी। मोहम्मद इमरान रोकना चाहेंगे बल्लेबाजों को, ट्राइडेंट न्यू बॉम्बे नवी मुंबई, नवी मुंबई की ये टीम सुरेश जी राणा की काफी बड़ी टीम है, 2 बार सुप्रीमो की ट्रॉफी उठा चुके हैं, देखना होगा 70-70 धमाका बिग बैश में क्या करती है मोहम्मद इमरान। इस बार अच्छा स्ट्रोक देखने मिला जगत सरकार की बल्ले से आता हुआ, ए बेहतरीन चौका। हाफ ट्रैकर बॉल आप जगत सरकार को नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार को पता है कहां कौन सी पॉलिसी
लागू करनी है। जैसे ही हाफ ट्रैकर बॉल आई, लूजनर बॉल थी, जगत सरकार रनों की भूख और प्यास दोनों को महसूस कर रहे थे सानप के सामने, और जैसे ही गेंद ने टप्पा खाया, ड्रिल्ड ओवर बोलर सेट जिसको कहा जाता है, उस तरीके का शानदार चौका। 8 रन हो चुके हैं, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पर मोहम्मद इमरान द्वारा जगत सरकार के बल्ले से आता हुआ एक अच्छा स्ट्रोक, कॉन्फिडेंस तो जरूर देगा उन्हें ये स्ट्रोक, जिस तरह से अनिकेत ने बांध दिया था पहले ओवर में उनको, मगर देखना होगा इस ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी की शुरुआत तो अच्छी की है। फिर एक बार मोहम्मद इमरान, चलिए गेंदबाजी के लिए। इस बार रिवर्स खेला, गेंद हवा में और ये स्ट्रोक सीमा रेखा के बाहर। देखिए एडजस्टमेंट एट द वेरी लास्ट मोमेंट, आती हुई फुल टॉस बॉल, जगत सरकार चाहते तो उसको स्ट्रेट बल्ले से खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने भी दिमाग का इस्तेमाल किया और जो शॉट वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उस अपने शॉट पर, अपने स्किल पर उन्होंने खुद मुख्तार होकर उस गेंद को स्विच इट कर दिया 6 रनों के लिए, और सरकार जो है अब एक्शन में आ चुके हैं। पहले ओवर में जो खोया वो दूसरे ओवर में हासिल करने का प्रयास एलके स्टार का, अपनी खुद की सरकार बनाने की एक कोशिश जारी है। सरकार बेहतरीन स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा में, जगत सरकार राज करना शुरू किया है और एक छक्का। आगे पीछे हमारी सरकार, यहां के हम है राजकुमार, बिल्कुल इमरान के सामने। देखिए जगत ने अपने तरकश के एक के बाद एक तीर निकालने की शुरुआत की है, तीनों लाजवाब शॉट, एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, वन ऑन द ऑफ, वन ऑन द ऑन। अब इसे ज्यादा आप किसी बैटर से क्या उम्मीद करेंगे? लोग मुझे कहेंगे कि ये पावर प्ले का, इसलिए कोई भी मार सकता है। अरे मेरे भाई, पावर प्ले हो चाहे पावर प्ले ना हो, सीधा उल्टा पुल्टा मारने के लिए ताकत और टाइमिंग चाहिए, जो सरकार में है। कई बार हम सुनते हैं कि यार वो तो सर्कल फोड़ने वाला बैटर है, वो सर्कल का बैटर है, ऐसा कुछ नहीं होता, बैट्समैन बैट्समैन होता है, वो जब तक रन बनाता है, ऑल दैट मैटर्स इज विटामिन आर। रायगढ़ के टाइगर को आप देख सकते हैं, सुप्रीमो के फाइनल में 48 रनों की बेशकीमती पारी, हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में के एक है उस्मान पटेल। सर 20 रन बन चुके हैं, पहले ओवर में अगर देखा जाए तो जगत सरकार स्ट्रगल कर रहे थे, अब गेंदबाज स्ट्रगल कर रहे हैं और परिस्थितियां है अपनी तरफ करने में कामयाब रहे हैं सिर्फ 3 गेंदों में, और मोहम्मद इमरान कमबैक करना होगा, वो काबिलियत वो टैलेंट इनमें है, मगर आज दिखाना होगा। बड़ा मैच, बड़ी प्रतियोगिता और सामने बड़ा खिलाड़ी मोहम्मद इमरान। जगत सरकार और एक बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ और इस गेंद को भी भेज दिया सीमा रेखा पार, षटकार। शानदार और जानदार शॉट, अपने स्ट्रांग जोन में आती हुई गेंद, और जैसे ही टप्पा खाया हरकत ली, हरकत में ही बरकत है। अभी भी देखिए ओस गिरने की शुरुआत नहीं हुई है, शबनम गिर नहीं रही है, लेकिन आधे घंटे में शबनम का गिरना तय है, और इस वक्त जो बैटिंग की कंडीशन है वो बल्लेबाजी के लिए मुफीद है, और जगत सरकार की इस बल्लेबाजी के अब लोग मुरीद हो चुके हैं 26 रन बगैर किसी नुकसान के। ये क्रिकेट का खेल है, हर वक्त बदलता रहता है। जगत सरकार अच्छी गेंद, जड़ में की इस बार इस गेंद को सम्मान दिया, मिड ऑफ की दिशा में इस गेंद को ढकेला और एक रन पूरा किया, स्कोर आगे जाता हुआ 27 पर बिना कोई विकेट के 27 रन बन चुके हैं। एलके स्टार राजकोट गुजरात टीम एक तरफ, दूसरी तरफ ट्राइडेंट नवी मुंबई महाराष्ट्र की टीम, महाराष्ट्र और गुजरात की टीम दिल्ली में खेल रही है, राजधानी दिल्ली में खेल रही है। बड़ी प्रतियोगिता, बड़ी टूर्नामेंट, एक ऐसी प्रतियोगिता जिस टूर्नामेंट में, जिस प्रतियोगिता में खिलाड़ी को अच्छे किट्स दिए गए हैं, ट्रैक टी शर्ट सॉक्स कैप आला दर्जे की, जिस टूर्नामेंट में हर कोई खिलाड़ी को, और जितने दिन दिल्ली में टूर्नामेंट के लिए है उतने दिन सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और होटल का रहना भी
ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा। अरे सर, दिल्ली दिलवालों की हेमंत बनियाल साहब खाने पीने में कभी भी परहेज नहीं करते और बड़े आनंद फानन में उन्होंने टीमों के लिए जो व्यवस्था की है वाकई में काबिले तारीफ अरेंजमेंट्स इस टूर्नामेंट के जरिए। सीजन की शुरुआत धमाका के साथ, धमाका दिल्ली द्वारा बिग बैश में। मोहम्मद इमरान, किरण पवार के लिए अष्टम के बाहर की गेंद, विकेट कीपर मुन्ना के हाथों में जाती हुई और दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 27 रन बिना कोई विकेट खोए। अरे सर, पहला ग्रुप ए हुआ था हमारे स्कोरर कांचन पालकर, ग्रुप ए के स्टैट्स हमारे पास पहुंचाते हुए आज के दिन 10:20 पर ये मुकाबले शुरू हुए। आज के दिन में पहले हाफ में 56.3 ओवर डाले गए, आज पहले हाफ में बॉल डाले गए 339, विकेट रन बने 656, विकेट आए 59, सिक्स मारे गए 59, फोर आए 18, 18 फोर, नो बॉल 14, वाइड बॉल 33, बाय के रूप में 21 रन, लेग बाय के 14 रन। आज के दिन पहले हाफ में अगर देखा जाए तो मैच खेले गए जो 5 मैच खेले उसी लिए टाइम गया 8 घंटे और 54 मिनट, मिनट थे 534 और सेकंड थे 32,040। ये पूरा डाटा हमारे पास पहुंचाया है हमारे स्कोरर मित्र कांचन जी पालकर द्वारा। बहुत ही उम्दा लेखा जोखा। वो कहते हैं ना कि कमेंटेटर अनेक, स्कोरर एक, ऐसे हमारे कांचन पालकर। और कांचन पालकर पिछले 4 दिन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने भी दिल्ली का मजा लिया और वाकई में कांचन पालकर आपके लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, लव यू यार, ग्रेट ग्रेट कांचन पालकर। दो ओवर की समाप्ति, अरे सर किस तरह से देखते हैं पावर प्ले की इन दो ओवर को आप? देखिए, पहले ओवर में 4 रन, दूसरे ओवर में 23 रन और जगत सरकार का स्ट्रोक सिलेक्शन, जो पहला शॉट उन्होंने ड्राइव किया उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, उसके बाद के तमाम शॉट्स में जगत सरकार की पहचान, जगत सरकार का फॉर्म और जगत सरकार की हुकूमत नजर आई है, ये भी उतना ही कड़वा सच है। दो ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं राजू मुखिया। ये नाम काफी मशहूर हुआ सर सुप्रीमो ट्रॉफी में, जिस तरह से गेंदबाजी की, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे थे सुप्रीमो ट्रॉफी में राजू मुखिया, दिल्ली के खिलाड़ी है। देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी दिल्ली में करते हैं क्योंकि दो ओवर हो चुके हैं, 27 रन, रनों का ग्राफ ऊपर जा चुका है, उसे नीचे लाना है। इसीलिए राजू मुखिया, जिन्होंने इस साल सुप्रीमो ट्रॉफी में बेस्ट बॉलर का खिताब हासिल किया था, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जगत सरकार एक धाकड़ बल्लेबाज पश्चिम बंगाल राज्य के, और उनके सामने दिल्ली के गेंदबाज राजू मुखिया। राजू मुखिया पहली गेंद जड़ में की, कवर्स की दिशा में इस गेंद को ढकेला और एक रन पूरा किया। देखिए, यहां पर एक मास्टर प्लान कार्यान्वित किया है, अनिकेत सानप को लगातार तीसरा लगातार दूसरा ओवर नहीं दिया गया, उनको थोड़ा रखा है क्योंकि राजू मुखिया दिल्ली के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ है। इस पूरे टूर्नामेंट में जो प्रॉपर दिल्ली के खिलाड़ी है वो भी एक अमिट छाप छोड़ेंगे, विजय गढ़वाली, राजू मुखिया, आशीष आगरकर, ये कुछ खिलाड़ियों के ऊपर भी इस टूर्नामेंट में गेम चेंजर के रूप में देखा जाएगा क्योंकि वो यहाँ के स्थानिक माहौल से अच्छी तरह से वाकिफ है। आज अनुराग अन्नु ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की, देखना होगा दिल्ली के खिलाड़ी काफी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं और जिस तरह से धमाका क्रिकेट क्लब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हो बड़े बड़े राज्यों में जाती है बड़ी बड़ी टूर्नामेंट खेलने के लिए, दिल्ली के खिलाड़ी नजर आते हैं। मगर आज एक बात अच्छी की हेमंत बनियाल साहब ने, हमारा खुद का टूर्नामेंट है, हमारा टीम नहीं खेलेगा। नहीं, ये बहुत अच्छी सोच है, ऑलवेज ट्राई टू बी न्यूट्रल एंड नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। और बनियाल साहब को इसके लिए भी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी टीम को नहीं खिलाया। राजू मुखिया इस मैच में पहली शुरुआत जरूर की मगर शुरुआत अच्छी नहीं रही, दिशा से भटके पहली गेंद पर टपा खाने के बाद बाहर की तरफ जाने वाली ये गेंद वाइट बॉल करार दी अंपायर ने, स्कोर आगे जाता हुआ 29 रनों पर राजू मुखिया एक तरफ और दूसरी तरफ बल्लेबाजी के लिए किरण पवार।
किरण पवार का वार गेंद सीमा रेखा पार। क्या खूबसूरत अंदाज में उस गेंद को लपेट लिया था और भव्य और सजीला सिक्सर किरण पवार से। सर देखा उन्होंने जिस तरह की गेंद थी, थोड़ी सी धीमी की थी और एक अलग अंदाज में स्ट्रोक लगाते हैं। ये वही खिलाड़ी है, यूट्यूब में अगर आप जाओगे तो एक हाथ से छक्का लगाने के लिए भी जाने वाले किरण पवार यहाँ एक बड़ा हिट लगाते हुए। 35 पर स्कोर जाता हुआ, विकेट नहीं मिला है, विकेट की तलाश में जरूर होंगे। मगर गेंदबाजी के लिए राजू मुखिया, बल्लेबाजी के लिए किरण। ओहो, इस बार टपा खाने के बाद घूमती हुई गेंद, जिस तरह से घूमे किरण उस तरह से गेंद भी घूमी और सीधा मुन्ना के विकेट कीपर मुन्ना के हाथ में कैद होती हुई। राजू मुखिया कोशिश कर रहे, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे, शायद वो अपने डिलीवरी स्ट्राइड या रनअप में थोड़ी तकलीफ महसूस कर रहे हैं और ये वजह है कि थोड़ा सा वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए। लेकिन किरण पवार ने वो जो शॉट खेला था बिल्कुल ग्लेन मैक्सवेल की अदा में, और सरोज प्रमाणिक टीम के कैप्टन, उनकी आंखों में सपने और टाइगर देखिए, टाइगर रुकता नहीं, टाइगर तो चलते रहता है, चाहे जंगल हो या दिल्ली। उस्मान पटेल रायगढ़ का टाइगर, जगत सरकार और किरण पवार दोनों के बॉडी लैंग्वेज को आप देख सकते हैं, उन्हें पता है हमने एक अच्छा स्टार्ट लिया है। सर सपने तो सबने देखे, हर कोई अपने अपने राज्य का चैंपियन है, हर किसी ने बड़ी बड़ी टूर्नामेंट जीती है, मगर भारत में सबका सपना एक ही होता है, दिल्ली जीतना। नहीं, और देखिए जब आप दिल्ली में आते हैं, दिल्ली का इतिहास ये हमारे सामने कई सालों से पढ़ाया भी जाता है, हिंदुस्तान के इतिहास के साथ दिल्ली का इतिहास भी उतनी ही अहमियत रखता है। और ये हमारे कुछ दर्शक आप देख रहे हैं जमीन पर बैठकर, अब ठंडा मौसम हो चुका है, आराम से रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर ट्राइडेंट न्यू मुंबई टीम थोड़ा रुकते हुए, हमारे ग्राउंड्समैन की भी तारीफ करनी होगी, चंद्रकांत जी क्राइसिस मैनेजमेंट को किस तरह हैंडल किया है। आज सुबह जब हेमंत बनियाल साहब ने कल बताया था कि आज सुबह 8:30 बजे रिपोर्टिंग है, हमारे दीपू भाई और उनकी पूरी जो टीम है, सैंडी भाई या बाकी जो हमारे मोंटी भाई, सब लोग 8:30-9 बजे तैयार थे, बस आप आइए और खेलिए, हमने आपके लिए सब कुछ बना दिया है। देखिए बैक ऑफिस में, बैकएंड में काम करना इतना आसान नहीं होता। सर 3 दिन की लगातार बारिश और उसके बाद भी आज सुबह 10:20 में खेल शुरू हुआ था, सराहना ऑर्गेनाइजर की करनी होगी। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि 3 दिन की बारिश के बाद दूसरे दिन क्रिकेट शुरू हुआ था, पिछले साल जूनियर प्रीमियर लीग के भी आपने वीडियो देखे रहेंगे, बहुत सारी बारिश उसके बाद क्रिकेट शुरू हुआ था। ऐसी बारिश की चपेट में बहुत सारी टूर्नामेंट्स, इंटरनेशनल की मैचेस भी आते हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट में भी आते हैं, मगर इतना इंतजार किसी ने नहीं किया होगा जो 70-70 धमाका बिग बैश का टेनिस क्रिकेट के चाहने वालों ने 3 दिन इंतजार किया है। सुबह से लेकर रात तक ये मैच शुरू होगा, कब शुरू होगा, कब शुरू होगा, मगर 3 दिन के बाद आज मैच शुरू हुआ है। मगर इन तीनों दिन सभी खिलाड़ियों की, उनके मैनेजर, उनके कोचेस, सभी के रहने की, खाने की व्यवस्था ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने की है। और इससे बढ़िया खुशी की बात एक और भी है, पूरे हिंदुस्तान की क्रिकेट जनता को मैं बताना चाहूंगा, अगले साल 2023 में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर एक टूर्नामेंट खेला जाएगा जिसका पहला इनाम 15 लाख, दूसरा इनाम 10 लाख और एंट्री फी केवल 1 लाख रुपए। मतलब आप इसके ऊपर से अंदाजा लगाइए कि 1 लाख के निवेश में आप 15 लाख कमा सकते हैं। हेमंत बनियाल साहब ने अभी से डेट्स अनाउंस कर दिए हैं, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर जो टीमें खेलना चाहती है जरूर हेमंत बनियाल साहब, तारिफ सैयद साहब या फिर चंद्रकांत शेटे, कुणाल दाते या फिर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सर एंट्री और प्राइस सुन के आज दोपहर में ही मेरे पास एक टीम का कंफर्मेशन आ चुका है कि अगले साल के लिए 70-70 धमाका बिग बैश दिल्ली के लिए हमारी टीम कंफर्म करिए। नहीं तो सबसे बड़ी बात यही है हेमंत बनियाल साहब की कि गिव देम प्लेटफॉर्म एंड मेक देम प्ले। उनकी इच्छा यह है कि उत्तर भारत में जो क्रिकेट है वो बढ़ना चाहिए, सुजलाम सुफलाम होना चाहिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये प्रदेश में उत्तराखंड में क्रिकेट का विकास होना चाहिए, यहाँ से भी खिलाड़ी खुलकर भारतीय क्रिकेट के परिदृश्य पर
आने चाहिए, तो ये बड़ी बात है। तो यहां पर खेल अभी भी रुका हुआ है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पूरी तरह कोशिश कर रही है कि प्लेएबल कंडीशंस में ये क्रिकेट हो। सर किस तरह से देख रहे हैं आप टेनिस क्रिकेट जो बढ़ रहा है? टेनिस क्रिकेट हर एक राज्य में अभी हेवी बॉल से खेला जा रहा है, ग्लोबल हो रहा है और भारत के हर एक हिस्से में भी जा रहा है। देखिए यहां पर एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो खेलता है वो ही खेलता है, और जो खेलता है और खेलता है वो ही खुलता भी है। सो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के हर राज्य में क्रिकेट है। ये अलग बात है कि अलग अलग प्रकार का क्रिकेट है, अलग अलग गेंदों का क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट तो क्रिकेट है। और मेरे ख्याल से अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप खेल की खिदमत करते हैं, और सभी अलग अलग फॉर्मेट को एक प्रवाह में लाने का काम जो है ये सभी को करना चाहिए। जरूर, जिस तरह से बड़ी बड़ी टूर्नामेंट होती है, मध्य प्रदेश में भी काफी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट होती है, पश्चिम बंगाल में काफी बड़ी टूर्नामेंट होती है, कर्नाटक में काफी बड़ी टूर्नामेंट होती है, केरल राज्य में एक अलग टाइप का क्रिकेट होता है, हैदराबाद में भी क्रिकेट होता है, अभी पंजाब और राजस्थान में भी क्रिकेट बढ़ने लगा है, गुजरात का क्रिकेट भी काफी अच्छा है, दिल्ली में अभी क्रिकेट की शुरुआत हो चुकी है, उड़ीसा में भी टेनिस क्रिकेट के प्रति काफी लगाव देखने हमें मिलता है, छत्तीसगढ़ में क्रिकेट है, झारखंड में क्रिकेट है, तो हर एक राज्य में क्रिकेट है। उनका खेलने का तरीका, बॉल, टेनिस बॉल जो यूज किया जाता है, कुछ जगह टेप बॉल, कुछ जगह लाइट बॉल, मगर आने वाले समय में शायद जिस तरह से ग्लोबल लेवल पर भारत के बाहर भी मैचेस होते हैं हेवी बॉल से होते, तो आने वाले समय में हेवी बॉल का टेनिस क्रिकेट है वो पूरे भारत में खेला जाएगा हरीश सर, और खेलना भी जाना चाहिए। देखिए वीरेंद्र सहवाग, वसीम अकरम जैसे खिलाड़ियों ने बताया कि हम हमारे जीवन में आगे कब बढ़े, पहले हम टेनिस बॉल खेलते थे, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ जाते जाते लेदर बॉल क्रिकेट खेला, फिर आगे बढ़े, यहां तक कि दिल्ली के नवदीप सैनी लेटेस्ट एग्जाम्पल है जो टेनिस बॉल क्रिकेट खेलकर भारतीय टीम तक पहुंचे। सो योर ड्रीम्स कैन बी अचीव्ड, बिलीव एंड अचीव। जरूर, मैं प्रवीण तांबे सर का भी नाम यहां लेना चाहूंगा जो टेनिस बॉल क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, अंडर आर्म क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। इस बार राजू मुखिया की गेंद टपा खाने के बाद थोड़ी सी घूमती हुई, एक रन जरूर मिलेगा मगर एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ, थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश है राजू मुखिया की, जिस तरह से दूसरे ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की थी जगत सरकार में, ये थोड़ा सा उन्हें रोकने में कामयाब रहे हैं। 36 रन बन चुके हैं जबकि तीसरा ओवर है प्रगति पर। एक तरफ अगर देखा जाए तो एल के स्टार राजकोट लखन भैया की टीम, दूसरी तरफ अगर देखा जाए राणा अंकल इनकी टीम है ट्राइडेंट नवी मुंबई, एक महाराष्ट्र से एक गुजरात से टीम खेल रही है दिल्ली में धमाका करने के लिए। ओहो, इस बार राजू मुखिया की ये गेंद, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, चकमा खा गए, सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई, और राजू मुखिया मैं इस टीम में क्यों खेल रहा हूँ ये बताते हुए, सुप्रीमो ट्रॉफी जैसी बड़ी टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर का किताब मुझे क्यों मिला था ये यहाँ बताते हुए अपने गेंदबाजी से राजू मुखिया। सामने है जगत, यहां बिग हिट, बड़ा हिट, जगत सरकार का राज शुरू है, और एक बड़ा हिट जगत के बल्ले से आता हुआ 6-6-6-6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन स्लॉग स्वीप था, जगत सरकार ऑन साइड पर बहुत स्ट्रांग है, ऐसी गेंदों को तो वो आंखों पर रुमाल बांधकर भी मैदान के बाहर भेज देंगे। दैट वॉज हाई एंड हैंडसम इन द आर्क आउट ऑफ द पार्क, उस तरह का स्ट्रोक, और तीन ओवर के मुकम्मल होने पर स्कोर 42, 14 रन के औसत से चलने वाली बल्लेबाजी। सर चिंता का कारण अब विकेट बन चुका है, किरण उनका बल्ला उतना बोल नहीं रहे, थोड़ा सा खामोश है, 5 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं, मगर जगत ताबड़तोड़ शुरुआती ओवर में अनिकेत सानप ने उन्हें थोड़ा सा परेशान किया था, उसके बाद मगर टूट पड़े गेंदबाजों के ऊपर, 14 गेंदों में 32 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है पहली पारी का, 42 रन बने हैं मगर अभी भी 3 ओवर शेष है। ये क्रिकेट है, हर एक ओवर में अलग अलग तरीके का क्रिकेट होता है, कमबैक हो सकता है, यहां से भी विकेट आती है तो ग्राफ जो रनों का ऊपर जा रहा है उसे रोकने में कामयाब हो सकते हैं टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई, कोशिश करनी जरूर होगी, देखना होगा आने वाले 3 ओवर में क्या होगा, कमबैक करेंगे गेंदबाज या बल्लेबाज इसी तरह से रन लुटाते रहेंगे। और आने मैं थोड़ी देर के लिए यहां रुकना चाहूंगा, साथ दूंगा हरीश सर का, और मुख्य विवरण करने के लिए इस पहली पारी के आखिरी 3 ओवर के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर को। शुक्रिया। बिलाल शेख नए ओवर प्रारंभ करेंगे, और बिलाल शेख के सामने बैटर रहेंगे किरण पवार।
देखिए चंद्रकांत, एक बल्लेबाज जब आक्रामक खेलता है तो दूसरे को थोड़ा संयम और शांत होकर खेलना बहुत जरूरी है, और प्लंबर लोगों की भाषा में इसको पाना पकड़ ट्रीटमेंट कहते हैं, एक पाना है दूसरा पकड़ है और तब जाकर मैच में पकड़ आती है। तो किरण पवार जो है थोड़ा सा इस वक्त संयम से खेल रहे हैं क्योंकि जगत का बल्ला आग उगल रहा है, लेकिन ट्राइडेंट के लिए अगले दो ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवें ओवर के अंत के पहले अगर विकेट नहीं गिरता है तो फिर थोड़े मुश्किलात पैदा होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। दे नीड एटलीस्ट कपल ऑफ विकेट्स इन नेक्स्ट टू ओवर्स। किरण पवार तैयार, 42 रन। बिलाल के नेवर की पहली गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, वहां पर अशरफ खान खड़े हैं। एक ताज्जुब की बात है, अशरफ खान ऑन लॉन्ग ऑफ चंद्रकांत, मिड विकेट के पोजीशन पे उन्हें देखा जाता है, काफी अच्छे फील्डर है और इस ओवर की शुरुआत तो अच्छी रही है क्योंकि एक ही रन मिल चुका है। 43 विदाउट लॉस। सुप्रीमो में विश्वजीत ठाकुर का वो जो बॉल उन्होंने रोका, मतलब काबिले तारीफ। द स्पाइडरमैन ऑफ टेनिस क्रिकेट अशरफ खान इज हियर, स्टंटमैन ऑफ बॉलीवुड अशरफ खान, वेलकम टू दिल्ली। स्कोर 43। इस बार फुल टॉस बॉल और बेस बॉल हिट, ठोक डाला, 6 रन। देखिए फुल टॉस गेंद थी और उसके भेज दिया सीमा रेखा के बाहर, जगत के लिए मानो ये तोहफा था और उसे 6 रन में तब्दील कर दिया। आखिर जम चुकी है गेंद पर उनकी, शुरुआत थोड़ी सी स्ट्रगल की थी और उसके बाद अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया ताबड़तोड़ अंदाज। जगत सरकार पश्चिम बंगाल के सुपरस्टार दिल्ली में आ चुके हैं, 15 गेंदों में 38 की पारी खेल रहे हैं और बंगाल में एक लाइन बहुत पॉपुलर है, खेला हो बे। अब खेला शुरू हो चुका है जगत सरकार का और जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, 49 विदाउट लॉस, 38 रन, 49 में 38 रन उनके बल्ले से आए हैं। क्या आज के दिन का तीसरा अर्धशतक हम देखेंगे ये तो वक्त बताएगा। बिलाल तैयार, टप्पा खाकर गेंद बाहर की जानिब मुड़ी थी, ये एक अच्छी गेंद लेग कटर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, विकेट कीपर है उमर खान, फाइन लेग पर अनिकेत सानप। सर बिलाल की पहचान उनकी रफ्तार है, इस गेंदबाज ने अपने रफ्तार के बलबूते पर पिछले 2-3 साल में काफी प्रभावित किया है, वही दिखाने की कोशिश। इस बार करारा कवर ड्राइव, बिलाल शेख फॉर्म में, जब हमने देखा था पीपलगांव तप्पा चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह उन्होंने और फिरोज ने बॉलिंग की थी हम भूल नहीं सकते। स्कोर हो गया 50 और बल्लेबाजी हो रही है झकास। सर बिना कोई विकेट खोए ये 50 रन हो चुके हैं, ये बहुत स्पेशल 50 है क्योंकि कोई भी टीम टूर्नामेंट में जब अपना आगाज करती है अच्छी शुरुआत चाहेगी, सीजन की शुरुआत है, टूर्नामेंट की शुरुआत है। बेहतर बॉल, तेज गेंद, बिलाल का अच्छा कद है, ऊपर से हाई आर्म एक्शन और इस पिच के ऊपर तेज ट्रैवल होती हुई गेंद। देखिए सर पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाया था मगर उसके बाद क्या रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं, रफ्तार के बलबूते पर बल्लेबाज को रोकने में कामयाब रहे, उसके बाद काफी जबरदस्त स्पीड हाइट है। और देखिए अब किरण पवार ने मिस टाइम किया है और उस्मान पटेल के हाथ में गेंद इस तरह बैठ गई मानो जंगल में शिकार करते हुए वाघ के मुंह में शिकार आ गया हो और आउट हो गए वहां पर किरण पवार। और बिलाल वो गेंदबाज बना जिसने चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर किरण पवार को आउट किया और ट्राइडेंट न्यू मुंबई अब यहां से बचे हुए 12 गेंदों में वापसी कर सकती है। सर बिलाल की सराहना करूंगा, जब शुरुआत की थी बड़ा हिट लगा था उसके बाद अगर देखा जाए तो काफी रफ्तार से गेंदबाजी की और कमबैक करने की क्षमता रखने वाले गेंदबाज है। इस मैच में इस ओवर में उन्होंने वही किया और जो एक साझेदारी बनी थी 50 रनों की साझेदारी, उस साझेदारी को ब्रेक करने में कामयाब रहे बिलाल। देखना होगा आने वाले 2 ओवर में किस तरह का क्रिकेट होता है। एक और चीज है, क्रिकेट इज अ माइंड गेम चंदू,
इसके आउट हुए उसके पहले वाली गेंद जो थी बिंदी गेंद थी, और 6 ओवर के क्रिकेट में जब एक एक डॉट बॉल आज बैटर खेलता है ना, तो उसे दिमाग में एक कुछ डिस्टर्बेंस रहता है कि यार मुझे अभी डॉट बॉल नहीं खेलनी है, शायद वो उतावलापन भी यहाँ पर उनके विकेट के लिए जिम्मेदार रहा। सर 2 ओवर शेष है और वक्त हो चुका था मुंबई के हेलीकॉप्टर बॉय का आने का। श्रेयस कदम मैदान के ऊपर आ चुके हैं, पिछले कुछ सालों में, पिछले 2-3 सालों में काफी प्रभावित किया था जब शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में जहीर कालिया के खिलाफ 3 छक्के दागे थे इस बल्लेबाज ने, और उसके बाद अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला है श्रेयस ने, और देखना होगा श्रेयस दिल्ली में धमाका करेंगे या नहीं, उसका जवाब आने वाले 2 ओवर में मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीमो कप में, सुप्रीमो ट्रॉफी में जब श्रेयस कदम मैदान में बैटिंग के लिए गए, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया, और मुंबई की सरजमीन पर बहुत सालों बाद किसी बल्लेबाज का इस तरह स्वागत होते हुए हमने देखा। सो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ श्रेयस कदम। लेकिन इस वक्त अगर और मगर को जगह नहीं है, बिलाल 1 ओवर 8 रन 1 विकेट, 5वां ओवर शुरू होने जा रहा है जिसको लेकर आ रहे राजू मुखिया, और बैटर है जगत सरकार 39 पर। सरकार का ये शॉट, अब ये तो रॉकेट था जिसको लॉन्च किया और गेंद को पंच किया, स्कोर अब पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर 56। जगत सरकार बताते हुए खामोशी है कि शोर आएगा, खामोशी है कि शोर आएगा, सभी का वक्त आता है, मेरा दौर आएगा, और वो दौर आ चुका है। आज जिस तरह से उन्होंने नगर अध्यक्ष चषक में हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन गेंदबाज के सामने 3 बॉल में जब 3 सिक्स लगाकर 35,000 रुपए जीते, वही इस बात का सर्टिफिकेट था कि सरकार की सरकार बन चुकी है। इस बार फ्लाइट दी थी, थोड़ा धीमा भी रखा था, अब यह विविधता बहुत जरूरी है। प्रेडिक्टेबल गेंदबाजी हानिकारक हो सकती है, लेकिन विविधताओं के साथ गेंदबाजी की जाए तो बल्लेबाज को रोका जा सकता है। 57 पर 1, और देखिए आप इमरान स्वयं अपने टी शर्ट पर अब गेंद को थोड़ा सा साफ करते हुए, यानी कि ड्यू का आगमन हो चुका है। हो चुका है, एक बड़ा हिट जरूर लगा था, मगर उसके बाद थोड़ी सी धीमी गेंद थी और उसे ढकेल दिया था कवर्स की दिशा में, 1 रन जरूर लिया, और जगत सरकार को नॉन स्ट्राइक पर भेजने में कामयाब रहे। शायद थोड़ी सी चोटिल गर्दन में थोड़ा सा खिंचाव आ गया है, देखिए जब क्रिकेटर्स खेलते हैं। लेकिन चंद्रकांत मुझे लगता है ये मैच लेफ्टियों का होगा, अगर आपके पास जगत सरकार है, हमारे पास मुन्ना शेख है। मुन्ना शेख जरूर काफी बड़ा नाम है और खुद को साबित किया, खुद को नासिक को टेनिस क्रिकेट में काफी मशहूर किया इस खिलाड़ी ने। रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल भी टीम में है, जैसे दोनों टीम जबरदस्त स्टारकास्ट दोनों टीमों में है सर। तो खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ है, थोड़ा सा गर्दन में खींचा हुआ रैली स्प्रे या वहां पर अगर थोड़ा सा खेल रुका हुआ है। जगत सरकार थोड़ा सा पसीने से लथपथ होते हुए, श्रेयस कदम वहां पर, अशरफ खान वहां पर हैं। ये खिलाड़ी आपस में मैदान के बाहर अच्छे दोस्त भी है, और इसलिए आपस में बातचीत चलती हुई, क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आज हमारे कमेंट्री बॉक्स की जीनत को बढ़ाते हुए नसीम गुल्ली ये भी हमारे साथ है, द ओल्ड वॉर हॉर्स ऑफ वलसाड़। वलसाड़ की दो ही चीजें पूरी दुनिया में मशहूर है, एक हापुस अंबा और दूसरा नसीम गुल्ली। उत्तर प्रदेश में एक चाचा है कलीम चाचा, जिन्होंने आम को अलग अलग नाम दिए, सचिन तेंदुलकर के नाम से भी उन्होंने एक आम की जाति की खोज की है। मैं वाकई में कलीम चाचा अगर मेरी बात सुन रहे तो कहना चाहूँगा कि हमारे नासिम भाई के नाम पर भी एक आम आप क्वालिटी डेवलप करें, ऐसी ज़बरदस्त खिदमत की है नासिम भाई ने टेनिस क्रिकेट की। 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर राजू मुखिया अब तक 8 गेंदों में 22 रन खर्च कर चुके हैं। स्ट्राइक पर आते हुए श्रेयस कदम, शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम के उनके बल्लेबाजी के प्रदर्शन के बारे में चंद्रकांत बता चुके हैं। यह नया टूर्नामेंट है और एक अच्छी पोजीशन में उनको बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है।
इस बार बेहतर बॉल मुखिया की। मुखिया अब लगातार विविधता ला रहे हैं, ये बहुत जरूरी है गेंदबाजी में विविधता। उमर खान भी उसकी प्रशंसा करते हुए, उमर स्वयं कैप्टन है, वो जानते हैं राजू मुखिया का ये ओवर कितना इंपॉर्टेंट होगा। एक बार फिर से श्रेयस कदम को बांध कर रखा, बिल्कुल कदम के कदम को बढ़ने नहीं दिया है राजू मुखिया, जिसने कर दिया है श्रेयस कदम को थोड़ा सा दुखिया। सर ये दिल्ली के गेंदबाजों की खासियत देखिए, जिस तरह से विजय गढ़वाली को गेंदबाजी करते हुए हमने देखा राउंड द विकेट, और इसी तरीके से उसी तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अपील और श्रेयस कदम आउट, मौका बनाया और विकेट ले लिया, बिल्कुल इसी का मुझे डर था। आशीष आगरकर, विजय गढ़वाली, राजू मुखिया, दिल्ली के जो खिलाड़ी है, बिल्कुल अच्छा स्टार्ट लिया राजू मुखिया ने। भले पहली बॉल पर 6 रन गए, लेकिन उसके बाद राजू मुखिया, मुखिया और मुखिया और उमर खान खुशी का इजहार करते हुए, उन्हें पता है श्रेयस कदम कितने खतरनाक हो सकते थे, उनका विकेट ले लिया और वापस भेज दिया पवेलियन में। 57 के योग पर गिरने वाला दूसरा विकेट और नए बैटर के रूप में अब उतरते हुए सरोज प्रमाणिक। सराहना करनी होगी सर राजू मुखिया की, और जिस तरह से गेंदबाजी उन्होंने की है, नियंत्रण काफी बढ़िया था उनकी गेंदबाजी में, और गलती करने के लिए यहाँ जरूर, और वापस लौट चुके श्रेयस कदम, आमंत्रित किया उन्हें ऑप्टम के बाहर लेके आए, वहां से बल्ले का किनारा लिया, विकेट कीपर ने काफी अच्छा कैच लिया और वापस लौट चुके हैं। देखना होगा आगे आने वाले समय में बल्लेबाजी किस तरफ से होती है। एक तरफ जगत सरकार अभी भी मैदान के ऊपर, प्रिंस ऑफ तारकेश्वर और उनका साथ दे रहे मैदान के अंदर पश्चिम बंगाल के प्रिंस ऑफ दुर्गापुर सरोज प्रामाणिक। सरोज का मुकाबला अब राजू से होने जा रहा है। इस बार सरोज प्रमाणिक ने बड़ी प्रमाणिकता के साथ गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया और प्रमाणिक का यह प्रमाणिक सिक्सर। 5 ओवर 63 रन 2 विकेट, सफल हुए, जगह बनाई और बड़े आराम के साथ उसे भेज दिया 6 रनों के लिए। चंद्रकांत 2 विकेटें जरूर गिरी है, लेकिन सरोज प्रमाणिक का जो आगमन हुआ है वो भी अब खतरे से खाली नहीं, क्योंकि दो पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी आपस में खेल रहे और दोनों के मन में एक ही चीज चल रही है, एक बोल रहा है करबो, दूसरा बोल रहा है लौरबो, तीसरा बोल रहा है जीतबो। बल्लेबाजी का वेस्ट बंगाल टच यहां देखने मिल रहा है, और आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में छक्का जड़ दिया था, और देखना होगा आखिरी ओवर अभी भी शेष है, 63 बने हैं, एक ओवर अभी भी शेष है, यहाँ से अगर 16-17 रन भी बनते थे 80 तक जा सकते हैं, और उसी तरह का प्रयास भी होगा, क्योंकि मैदान के अंदर अगर देखा जाए तो जगत सरकार है, और गेंदबाजी के लिए फिर एक बार बिलाल, जो रफ्तार, जिनकी रफ्तार ही उनकी पहचान है, गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। देखना होगा ये आखिरी ओवर है, जगत सरकार सरोज प्रामाणिक एलके स्टार की पारी को कहां तक लेके जाएंगे। 63 for 2, सबसे बड़ी बात है जगत सरकार ने एक मैच्योर पारी खेली है ठहराव के साथ, स्ट्रोक सिलेक्शन बहुत ही लाजवाब, बड़ी पारी खेलने के इरादे के साथ उतरे हैं, सामना करेंगे बिलाल शेख का। इस बार फिर से जगत सरकार ने ऊपर खेल दिया, कैच आउट का मौका, अशरफ खान के हाथ से कैच छूट नहीं सकता, और जगत सरकार का अर्धशतक लगाने का सपना पूरा नहीं हो पाया। अशरफ खान, लहराती जुल्फों वाला अशरफ, अपनी टीम के लिए विकेट दिलाने में कामयाब रहा। चिता कैंप एक्सप्रेस बिलाल शेख जगत सरकार को वापस भेज दिया है, काफी अच्छी बल्लेबाजी की मगर जबरदस्त गेंदबाजी देखने मिली। इसके पहले ओवर में भी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, मगर उसके बाद काफी लाइन और लेन से रफ्तार से गेंदबाजी बिलाल ने की और विकेट हासिल किया यहाँ जगत सरकार। ये बड़ा विकेट और सही वक्त पर भी आया है, क्योंकि अब वो समय था बड़े बड़े हिट लगाने थे, उस समय आउट होकर पैवेलियन की तरफ जगत सरकार। 46 रनों की पारी खेली और अब उनकी जगह लेने आ रहे नए बैटर। कौन से अब आ चुके हैं जॉन्टी सरकार। 63 for 3, बिलाल ने अच्छी शुरुआत करके दी अपनी टीम को आखिरी ओवर में,
कमेंट्री बॉक्स के सामने बहुत लोग खड़े हैं, प्लीज बैठ जाएं, मैं प्रार्थना करूंगा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। इस बार फ्लिक कर दिया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ, एक रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64, 3 विकेट के नुकसान पर। सर एक सरकार गिरी, दूसरी सरकार मैदान के अंदर, आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, आती रहेंगी सरकारें, जाती रहेगी सरकारें, इज्जतें शौहरतें उल्फतें चाहते हमेशा रहती नहीं, आज मैं जहां हूं कल कोई और था, ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। क्या बात है सर, 64 for 3। फुल टॉस बॉल एंड व्हाट एन एग्जीक्यूशन, लेकिन अब यहां पर कैच करने का मौका और एक बेहतरीन कैच दीनू कांबले द्वारा और सरोज प्रमाणिक आउट। चतुर गेंदबाजी बिलाल की, चीता कैंप एक्सप्रेस ने और एक विकेट हासिल किया, दिल्ली में चीता कैंप का ये खिलाड़ी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, नाम है बिलाल, और एक विकेट हासिल किया। देखिए उस्मान और दीनू दोनों भी आए थे कैच के ऊपर, मगर दीनू ने काफी बेहतरीन कैच यहाँ लिया और वापस लौटना होगा नए बल्लेबाज को भी, और बिलाल के नाम के चर्चे तो जरूर होंगे, जिस तरह से गेंदबाजी की है बिलाल ने, शुरुआत अच्छी नहीं रही थी फिर भी क्या कमबैक किया है बिलाल ने। लोअर फुल टॉस पर सरोज प्रमाणिक बड़ा स्ट्रोक खेलने गए और अपना विकेट गंवा बैठे। एलके स्टार टीम के लिए नए खिलाड़ी है दिनेश नाकरानी, गुजरात के खिलाड़ी है, युगांडा के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट रौनक पटेल के साथ खेलते हैं, और कुछ दिन पहले युगांडा की टीम ने केनिया जैसी मजबूत टीम को ट्रायंगुलर कंपटीशन में हराया था। मुझे याद है दूसरा 10PL जो हुआ उसमें वो उपविजेता टीम के सदस्य भी रहे थे, और दिनेश नाकरानी के ओर से अब एक अच्छी पारी की उम्मीद की जा सकती है। ही इज एन ऑलराउंडर दिनेश नाकरानी। खराब स्ट्रोक था, कैच आउट का मौका, गेंद के नीचे फील्डर, और अभी ये कैच को लिया जा चुका है, बिलाल को मिलता हुआ एक और बड़ा विकेट। एक चीज तो है चंद्रकांत जी, भारत सरकार ने भी अभी चीते मंगाए, लेकिन चीता कैंप का चीता चीता भी पीता है, और ट्राइडेंट 11 के लिए पूरे अच्छे शिद्दत के साथ खेलकर जीता है। सर मुंबई में चीता कैंप एक ऐसा इलाका है, वहां से बहुत सारे तेज गेंदबाज बाहर आए थे, उसमें से एक ये युवा तेज गेंदबाज जिन्होंने आज दिल्ली में आकर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। सर देखिए 10 गेंदे किए, 9 रन खर्च किए, 4 विकेट लिए बिलाल ने, पहले 2 गेंदों में ही उन्होंने 7 रन खर्च किए थे, उसके बाद अगर देखा जाए क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है चीता कैंप एक्सप्रेस ने, नाम है बिलाल, मुंबई के चीता कैंप के खिलाड़ी। इतना अच्छा शुरुआत देने के बाद अब पारी यहां पर लड़खड़ा गई है, अभी तक कोई भी गेंदबाज ने 5 विकेटें नहीं ली एक पारी में, फाइफर जिसको कहा जाता है, विजय गढ़वाली उसके करीब आए और अब बिलाल उसके करीब, 64 for 5। इस बार खेल दिया, ओहो रिले थ्रो एंड रिले विकेट, क्या जबरदस्त, एक ने कही दूजे ने मानी, और ये हैट्रिक होता हुआ, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी, दिस इज द मोमेंट ऑफ द टूर्नामेंट, मैच टाइम मोमेंट, जबरदस्त, इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक लिया है महाराष्ट्र मुंबई चीता कैंप के बिलाल ने, और हैट्रिक गेंद किया थी, क्या बात है, उस देखा दीनू ने और इस गेंद को आखिरी वक्त उस्मान की तरफ फेंका, और उस्मान ने भी दूसरे अटेम्प्ट में इस कैच पकड़ा है, और बेहतरीन कैच यहां देखने मिला, बेहतरीन हैट्रिक, और ऐसा लग रहा था इस पारी को 80 की तरफ जा रही है, उसे बिलाल ने कंट्रोल किया, रोका और 5 विकेट लिया एक इनिंग में, नाम है बिलाल। फाइफर, हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा मिशेल फाइफर, उनके नाम से यह फाइफर शब्द आया है, और पहला फाइफर इस टूर्नामेंट का जीतने वाले खिलाड़ी है बिलाल शेख। हैट्रिक इस ओवर में, एक केवल एक रन दिया है,
बिलाल शेख, एलके स्टार के स्टार टीम टीमा रहे थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एलके स्टार्स आर सुपर स्टार्स, लेकिन अब तारों को टीम टीमाने से रोक दिया है बिलाल शेख ने। और बिलाल शेख ने ये देखिए एक्शन रीप्ले दीनू, रिले कैच। मेरे ख्याल से ये वीडियो सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, रविंद्र जाडेजा ये लोग देखेंगे ना, ये वीडियो अगले 48 घंटे में मुझे लगता है 1,00,000 लोग देखेंगे। दैट इज द कैच ऑफ द टूर्नामेंट। समय सूचकता किसको कहते हैं? सर हम कहते हैं क्रिकेट में वक्त बदलने को वक्त नहीं लगता है, वही हुआ। 50 की साझेदारी हुई थी, पार्टनरशिप और बिना कोई विकेट खोए, और उसके बाद अगर देखा जाए तो बिलाल नाम की एक सुनामी आई गेंदबाज के रूप में। मैं तो भारत सरकार से कहूंगा कि अगर आप चीता की पॉपुलेशन को गिनते हैं तो चीता कैंप के चीता को भी उसमें शामिल किया जाए। और कैच लगातार देखना चाहेंगे, एक ही टीम में चीता और टाइगर दोनों है, तो शॉक सर्किट के वजह से कुछ समय के लिए खेल रुका है, व्यत्यय रुकावट के लिए खेद है। ये बचपन से हम टीवी पर देखते आ रहे हैं। 5 विकेट एक पारी में, देखिए 2 ओवर में 5 विकेट लेना ये वाकई में बड़ी बात है। नाजिम भाई अपने करियर में कई बार कर चुके हैं इसलिए उन्हें इसका पता है, 5 विकेट 2 ओवर में लेना आसान नहीं होता। 12 गेंदों में 5 विकेटें चैंपियंस ट्रॉफी में, जी हाँ 10 विकेटें लेकर बेस्ट बॉलर रहे थे पीपलगांव तप्पा। इवन हिंदू हृदय सम्राट चषक काला चौकी में उन्होंने बेस्ट बॉलर का खिताब लिया। ऐसे कई इनाम जीत चुके हैं बिलाल। सबसे बड़ी बात है कि टीम को जब जरूरत है मैं विकेट लेकर बताऊंगा, ये जज्बा। बिल्कुल यही भविष्यवाणी जब तीसरे ओवर में मैंने आपसे माइक लिया, जो मुझे लगा कि अगले 2 ओवर में अगर विकेट नहीं मिलती है तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन 2 ओवर में देखिए मुकद्दर किस तरह बदला। यही क्रिकेट की खूबसूरती है चंद्रकांत जी, खिलाड़ियों को अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श तक पहुंचते देर नहीं लगती। कई लोगों को लगा होगा कि ये एक आसान कैच है, ये आसान कैच नहीं है, ये केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड, समय सूचकता। समय सूचकता जो सुल्तान खान ने शारजा स्टेडियम में भरत लोहार की गेंद पर दिखाई, समय सूचकता जो यहां पर दीनू और उस्मान ने दिखाई, ऐसी समय सूचकता बहुत जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। सुल्तान खान को आप अगले मुकाबले में देखेंगे। सर क्रिकेट हो या जीवन, समय सूचकता जरूरी है, सही वक्त पर सही फैसला लेना जरूरी है। समय सूचकता केवल जीवन में जरूरी नहीं है, समय सूचकता चरनी रोड रेलवे स्टेशन पर भी जरूरी है अगर आपके पास टिकट नहीं है। ६४/६, ५० की पार्टनरशिप और 64 तक आते आते चंद्रकांत ओवरऑल कैचिंग की जो स्टैंडर्ड है इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी रही है। सर जरूर, यहाँ पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ी आ चुके हैं और कोई भी यहाँ शामिल नहीं हुआ है। सर यहाँ आने के लिए बहुत सारी मेहनत की है सभी खिलाड़ी ने, अपने गांव में, अपने तहसील में, अपने शहर में और अपने राज्य में अच्छा क्रिकेट खेला है, उनका ही नंबर लगा है, पूरे भारत से आरटी टीम है। चंद्रकांत आज से 2 दिन पहले कैफे कॉफी डे में जब हम लोग बैठे थे, तारीफ भाई ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, तुम यहां आए नहीं हो, तुम यहां लाए गए हो। और पूरे कायनात का एक ऐसा टूर्नामेंट,
जो हर कोई खेलना चाहेगा, देखना चाहेगा, इसमें अपने आप को एंजॉय करना चाहेगा, ऐसा टूर्नामेंट है। यहाँ पर मैं स्पोर्टिनो टीम की भी दाद देना चाहूँगा, जिशान मेहदी और उनके तमाम टीम मेंबर्स जिन्होंने लाजवाब कोऑर्डिनेशन किया है। खाना बहुत लजीज परोसा गया इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। हेमंत बनियाल साहब का कहना था कि यार नहीं, वो मज़ा नहीं आता, एक बिरयानी का पैकेट दे दो, मैं बुफे खिलाना चाहता हूँ। और इसलिए नॉर्थ की जो हॉस्पिटैलिटी है ये पूरी दुनिया में मशहूर है। जरूर सर, और एक उनकी कोशिश थी इस टूर्नामेंट के लिए, जो जितने भी खिलाड़ी भारत के अलग अलग राज्य से आए हैं उनके रहने की व्यवस्था भी अच्छे होटल्स में, सभी की, सभी खिलाड़ी, सभी मैनेजर, सभी कोचेस और सभी की रहने की व्यवस्था भी अच्छे होटल्स में। और शायद ये शुरुआत है, आने वाले समय में बाकी के टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी कर सकते हैं, मगर ये शुरुआत है। पहली बार सब के सब टीम के और सभी प्लेयर्स के लिए रहने की व्यवस्था की है किसी ऑर्गेनाइजर ने, बहुत बड़ी बात है। धमाके वाला टूर्नामेंट है। आखिरी गेंद इस ओवर की और इस पारी की, अगले मैच के टॉस के लिए कांधारी किंग्स और एआरएन आयुष रॉकर्स, ये दो टीमों के कैप्टन को रिपोर्ट करना है। एक्सप्रेस बॉल दी, अंडर एंड थ्रो, रनआउट की अपील, और इस बार उमर खान रनआउट करने में कामयाब हो चुके हैं। एक और विकेट का पतन, और बिलाल की गेंदबाजी इस ओवर में कितनी कंजूस है। पुरानी हिंदी फिल्मों में एक जमींदार होता था, उसका एक मुनीम हुआ करता था जो बहुत कंजूस रहता था और वसूल करता था, वैसा बिलाल ने वसूल किया है। बिलाल को विकेट दिए बगैर उससे रन हासिल करना मतलब किसी पठान से बिना ब्याज के कर्ज लेने वाली बात है। सर बिलाल का ये परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा, ये परफॉर्मेंस उसे भी जीवन भर याद रहेगा, वो भी राजधानी दिल्ली में है। रनआउट होकर वापस लौटना होगा बल्लेबाज को। दो ओवर में सिर्फ 9 रन और 5 विकेट, उसमें हैट्रिक शामिल है, पूरे जीवन भर ये बॉलिंग फिगर उसे याद रहेगी, बिलाल के चाहने वालों को याद रहेगी। हमारा बिलाल जो चीता कैंप का बिलाल है, मानकुर ट्रॉम्बे का बिलाल है, आज राजधानी दिल्ली में खेल रहा है और क्या बढ़िया गेंदबाजी की है उसने। मैच समरी आपके सामने कुछ समय बाद लेकर आएंगे, लेकिन आइए चलते अगले टॉस की तरफ। कांधारी किंग्स बैंड्रा मुंबई और उनका मुकाबला एआरएन आयुष रॉकर्स कोलकाता पश्चिम बंगाल। धन्यवाद चंद्रकांत शेटे, मैच समरी आपके सामने लाएंगे। लेकिन ओहो क्या बात है, दो, यस वाकई में दो बाहुबली, मतलब बाहुबली पार्ट वन बाहुबली पार्ट टू है। ऊपर वाले क्यों ऐसे दो बाहुबली को भिड़ाता है, क्या करे, फॉर्मेट ही ऐसा है। सो वेलकम सुमित डेकले एंड वेलकम पीकू, लेट्स गो फॉर द टॉस। धमाका या 70-70 ये कॉल देना है। सो आइए सेवेंटी इज द कॉल, और सुमित ढेकले ने कांधारी किंग्स के लिए टॉस जीता है। सुमित बाहुबली, मैथ्यू हेडन, पावरफुल स्ट्राइकर, हिटर, दिल्ली आकर कैसा लग रहा है? दिल्ली फर्स्ट टाइम आया हूँ, बेटर लग रहा है ग्राउंड के अरेंजमेंट के लिए,
और सबसे पहले तारिक भाई को वेरी थैंकफुल कि उन्होंने इतने खराब कंडीशंस में एक अच्छा ग्राउंड हमें ऑर्गेनाइज करके दिया बिग बैश के लिए, सो थैंक यू सो मच। सुमित, बारिश का क्रिकेट अलग है, टेनिस बॉल क्रिकेट अलग है, जब ये टूर्नामेंट अनाउंस हुआ और बारिश का सीजन खत्म हुआ, किस तरह से आपकी टीम ने तैयारी की? इतने बड़े इवेंट में हमेशा कैसे एक पूरा टीम खेलते नहीं है, सब अलग अलग जगह की एक पूरा टीम बनती है, तो उसके लिए उनकी उनकी तैयारी वो खुद से करनी थी, लेकिन खुद की तैयारी बोलेंगे तो ऑलरेडी बॉम्बे में बारिश करने का कोई टाइम मिला नहीं रेडी होने का मैच के लिए, लेकिन जितना भी मिला उतना कोशिश किया हो कि वहाँ पर जाके अपना 100% दूँ। फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज द डिसीजन? हम लोग फील्डिंग करेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया पीकू पॉल। पीकू, सबसे पहले तो वाकई में जब बंगाल के क्रिकेट की बात होती है तो टिल्लू शर्मा, पीकू पॉल, जगत सरकार, ऐसे नाम आते हैं, वाकई में कैसा फील करते हो जब पूरी दुनिया में आपके नाम का चर्चा होता है? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है कि इतना अच्छा नाम किए है, कोशिश करूँगा आगे जाकर और अच्छा खेले और अच्छा नाम हो। ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुर्गा पूजा शुरू होने जा रही है तो बंगाल में एक ट्रॉफी लेकर जाएं? हाँ, पूरी कोशिश करूंगा, ऊपर वाला का मैं, जिसका दिन अच्छा रहेगा वो जीतेगा। आपके तो नाम में ही रॉकर्स है, आशा करते हैं कि आप क्रिकेट में रॉक करेंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही टॉस हो चुका है, कांधारी किंग्स बैंड्रा मुंबई ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया और पहले इन्वाइट किया है खास पश्चिम बंगाल कोलकाता से पधारे हुए ARN आयुष रॉकर्स टीम को। ये मैच लेकर थोड़े समय बाद हाजिर होंगे। आइए सीधा चलते कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर आप लोगों के साथ जुगलबंदी के लिए तैयार है कुणाल दाते और पंकज असवाल। शुक्रिया, थैंक यू। हेलो, वेलकम बैक। फिर से एक बार सभी दर्शकों का स्वागत। 7070 एंड हेमंत बनियाल प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश लीग सीजन 3। ट्राइडेंट नवी मुंबई के सामने अब इस मुकाबले में जीत के लिए लक्ष्य है 65 रनों का, 65 इज द टारगेट, 36 गेंदे 65 रन। प्रारंभिक बल्लेबाज रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल, उनके साथ नासिक के खिलाड़ी मुन्ना शेख, एक सेंसिबल क्रिकेटर, दूसरी तरफ आग तूफान रायगढ़ का टाइगर उस्मान। एंटर्ड करते हुए फील्ड पर अब यह प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी, जबकि लक्ष्य है 65 रनों का, 6 ओवर का यह मुकाबला। ट्राइडेंट लॉजिस्टिक के मालिक सुरेची राणा, इनकी यह टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई, उनके खिलाफ खेलते हुए टीम लखन जी, इनकी एलके स्टार राजकोट गुजरात। 65 रनों की चुनौती, बॉल का जायजा लेते हुए दोनों बल्लेबाज मुन्ना शेख और उनके साथी खिलाड़ी रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल। दुनिया भर में ढेर सारे फैंस हमें नजर आते उस्मान पटेल के, काफी दिनों से हमें लगभग इन फैंस के फोन कॉल,
फोन कॉल आते थे, उसके बाद इंस्टाग्राम मैसेजेस डीएम्स आते थे कि उस्मान पटेल का मैच कब है, ये उमर 11 कब खेलेगी। ट्राइडेंट नवी मुंबई के नाम से प्रतियोगिता में खेलती नजर आ रही है टीम। अब गेंद का जायजा लेते हुए दोनों बल्लेबाज, प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी उस्मान पटेल के साथ मुन्ना शेख। तो हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ने जा रहे पंकज अश्वाल, वेलकम, आपका भी स्वागत है। क्या लगता है पंकज जी, अब 65 रनों की चुनौती होगी, प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी ग्राउंड पर हमें नजर आती है, एक तरफ है रायगढ़ का टाइगर, ये टेनिस बॉल क्रिकेट का तूफान, नाम है उनका उस्मान, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर उतने ही अच्छे खिलाड़ी, एक सेंसिबल बल्लेबाज जाने जाते हैं मुन्ना शेख। एक जो जिस तरह से सर स्टार्ट मिली थी सरोज जगत सरकार ने, जिस तरह से स्टार्ट दी थी उस, और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, एक पल तो ऐसा लग रहा था कि 80 प्लस का स्कोर देखने को मिलेगा, लेकिन बावजूद उसके अच्छा कमबैक किया टीम ने, और इस समय स्ट्राइक एंड पे हैं बल्लेबाज उस्मान पटेल। उस्मान पटेल रायगढ़ का टाइगर, सामने है गेंदबाज, देखिए कितना इंटेंट है, बैट को बड़ी तेज पटकते हैं, पहले ही बॉल में हवाई फायर, गेंद एरियल हवा में बहुत देर है, छित्र तक नीचे मौजूद और नो बॉल से फॉर दिस कुणाल, इतना बड़ा विकेट आपको मेरा, गेंदबाजी पे नियंत्रण लेकिन अपने पैरों पे नियंत्रण नहीं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा जीवन दान मिलता हुआ। ये क्या हुआ, ये क्या कर बैठे गेंदबाज, क्योंकि उस्मान पटेल पहली गेंद हवा में थी, एक अच्छा कैच यहां पर नजर आया, लेकिन अंपायर ने कहा ये गेंद नो बॉल है। ये रिप्ले में अगर नजर डालें तो ये देखिए काफी बाहर निकल गए थे पैर, कहीं बार देखा जाता है कि स्लाइड करता है, लेकिन यहां पे तो इतना बाहर चला गया था गेंदबाज का पैर और अंपायर की नजरों से नहीं बच पाए, नो बॉल। पहली ही गेंद पे बहुत बड़ी सफलता मिल सकती थी टीम को, लेकिन ट्राइडेंट नवी मुंबई इस समय बल्लेबाजी कर रही है, और उस्मान पटेल जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो आते ही उन्होंने करने की कोशिश की, हालांकि गेंद के तह पे जरूर गए, वहां से डीप मिड विकेट में खेलने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन भाग्य ने साथ तो दे दिया है। अब ये देखना होगा कहां तक इस जीवन दान का फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज उस्मान पटेल। कुणाल देखिए, दान जब भी आते हैं ना, कोई कहता है रक्तदान है, कन्या दान है, दान जो भी हो उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, लेकिन ये एक ऐसा दान है जिसकी आलोचनाएं बहुत होती हैं, अगर आपने क्रिकेट में जीवन दान दे दिया तो। बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन काफी बड़ी ये नो बॉल थी, ओवर स्टेप करते हुए गेंदबाज दिबाकर, नहीं चैलेंज कर सकते जब 70-70 का टेलीकास्ट हो रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, दूध का दूध पानी का पानी दिखाया गया कि काफी बड़ी ये नो बॉल थी, ओवर स्टेप। एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में दो रन, फिलहाल तीसरा एक और रन मिलता हुआ इस मैच में, 64 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है ट्राइडेंट नवी मुंबई की टीम। पश्चिम बंगाल कोलकाता के ये दिबाकर पहली ओवर यहां पर करते हुए, और कोलकाता जादवपुर से इस बार यहां पर राजधानी दिल्ली में पधारे, तो पहली एक बड़ी नो बॉल कर बैठे, उसके बाद हमें खेलते नजर आ रहे उस्मान पटेल एक रन पर, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 3, दिबाकर की अगली गेंद, सामने फेस करेंगे उस्मान पटेल। दिबाकर एक बार फिर से हवाई फायर, गेंदबाज नहीं कवर के क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे आए और एक बार फिर से ऊपर का गेंद बड़े शॉट के ले गए, लेकिन जाना पड़ेगा बल्लेबाज
उस्मान पटेल को, जगत सरकार को भी गलती नहीं की। लेकिन एक बार फिर से विकेट के, कुणाल अभी भी विकेट के ऊपर खड़े हैं बल्लेबाज उस्मान पटेल, सो आई थिंक दे मस्ट बी चेकिंग फॉर ओवर स्टेपिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जब विकेट का पतन यहां पर होता है तो इंटरनेशनल रूल के तहत यहां पर चेक किया जाता है क्या ये गेंद नो बॉल होगी। और ये देखिए फिर से एक बार कहानी में ट्विस्ट, नो बॉल। शायद इवनिंग स्नैक्स में यहां पर मैं तो कहूंगा नसीब खाकर आ चुके बल्लेबाज उस्मान पटेल। उस्मान पटेल रन तो अब बनाए या ना बनाए ये तो किस्मत की बात है, लेकिन ओवरऑल अगर किस्मत और भाग्य पर नजर डाले तो उस्मान पटेल मुंबई से निकले थे और भाग्य अपनी एक जेब में, भाग्य और दूसरी जेब में किस्मत और पीछे वाली जेब में लक लेके चले थे, क्या कहेंगे? जी हाँ, किस्मत काफी अच्छी है उस्मान पटेल की। दो बार ये बल्लेबाज आउट हुए थे लेकिन दोनों बार गलत गेंद कर बैठे दिबाकर हकीम शेख, इन्हें दिखाया गया था। सॉरी, ना खुश होंगे अपने इस प्रयास से गेंदबाज दिवाकर, बहुत बड़ा विकेट साबित हो सकता था उस्मान पटेल का। दो बार आपने आज तक कितने टूर्नामेंट्स में कमेंट्री की है कुणाल, क्या कभी ऐसा हुआ है? एक बार फिर से इस बार हवाई फायर गेंद, एक बार फिर से गेंद हवा में रखी है, जगत सरकार नीचे मौजूद इस बार, लेकिन फ्री हिट था, कोई असर नहीं उस पर। आज थोड़ा सा दूर रह रहे हैं गेंद से बल्लेबाज उस्मान पटेल, जो करना चाह रहे हैं वो नहीं हुआ है कुणाल दाते। किस्मत पहलवान ये कहना होगा, जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे अब तक उस्मान पटेल, दो गेंदें हवा में थी, कैचेस लिए गए, दो गेंदें नो बॉल करार की अंपायर द्वारा, उसके बाद फ्री हिट वाली गेंद पर सरोज ने यहां पर कैच लिया, उसके बाद भी अब खेलते नजर आएंगे उस्मान। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 5। तीसरा बॉल ऊपर का हल्के हाथों से खेला, एक्स्ट्रा कवर से तीस थ्रो, लेकिन डायरेक्ट हिट, क्या कमाल की फील्डिंग हुई है। अब ये देखना है कि ये रन आउट होता है या नहीं कुणाल, जिस जगह से उन्होंने थ्रो फेंका है वहां से सिर्फ एक स्टंप आपको नजर आता है, और अगर वहां से निशाना विकेट पे लगा है तो तारीफ करनी होगी इस क्षेत्र रक्षक की। डायरेक्ट हिट काफी क्रूशियल और क्लोज होते हैं, कोई भी क्रिकेट आप खेलिए। शायद श्रेष कदम वहां पर थे शॉर्ट कवर के जानी, काफी तेजी से गेंद पर आए, उसके बाद एक सटीक थ्रो विकेट से जाकर ये गेंद टकराई। अब 70-70 की टेक्निकल टीम और हमारे थर्ड एंड फोर्थ अंपायर जायजा लेंगे क्या ये बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित है या नहीं। और कुणाल आप इतने टूर्नामेंट्स में कमेंट्री करते हैं, क्या आज से पहले आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि पहले ही ओवर में दो नो बॉल, दोनों बॉल पे विकेट मिला हो गेंदबाज को? काफी कम ये देखा जाता है कि आप जब पहला ओवर करने आते हो तो आप टीम के अच्छे गेंदबाज माने जाते हो क्योंकि आप पावर प्ले में गेंदबाजी करते हो, तो ये गलतियां काफी कम होती है गेंदबाज द्वारा, लेकिन आज कर बैठे है दिबाकर। यस, और जैसे हम पिछले मुकाबले में बात कर रहे थे हरीश पांड्या सर मेरे साथ की, अनुशासन की कितनी महत्व है, चाहे वो खेल हो चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, हर जगह उसका इम्पोर्टेंस है, और आज अनुशासित गेंदबाजी तो फिलहाल नहीं मिली गेंदबाज दिवाकर द्वारा, क्योंकि दो नो बॉल और दोनों में विकेट बन सकते थे, और विकेट भी कौन, उस्मान पटेल। ये काफी क्रूशियल कॉल हो सकता है क्योंकि थ्रो देखिए, जब विकेटों से गेंद टकराई तो बल्ला ड्रैग करते हुए भागे थे बल्लेबाज मुन्ना शेख, पुश करो खुश रहो, बिल्कुल उसी अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं जब पावर प्ले होता है। एक तरफ अगर देखा जाए तो रायगढ़ का टाइगर ये तूफान उस्मान खेलते नजर आ रहा है, तो शायद उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर लाने का प्रयास हमेशा से मुन्ना शेख करते हैं, जब वो सेट हो जाते तो ये 2 इंच की गेंद फुटब�ल की तरह उन्हें नजर आती है, 10 इंच की तरह, और उसके बाद वो हावी होते गेंदबाजों पर। तो 3 गेंदे हो चुके हैं इस ओवर के, 6 रन बन चुके हैं अभी तक। दिबाकर उस्मान के लिए स्विच हिट खेल दिया, इस बार डीप पॉइंट पर कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, अंपायर का सिग्नल आता हुआ, यह आता हुआ 70-70, धमाका बिग बैश लीग सिक्सर।
रिवर्स स्वीप ठाकुर की याद दिला दी। लगभग उसी अंदाज में शॉट को खेला जिस अंदाज में विश्वजीत ठाकुर रिवर्स स्वीप खेलते हैं। और रिवर्स स्वीप जब भी आप शिफ्ट करते हैं यानी स्विच हिट करते हैं कुणाल, तो तीन तरीकों से आपको शॉट को खेल सकते हैं। या तो छोटा बॉल हो आप उस पर पुल करें, या फिर ऊपर का बॉल हो अपना घुटना टेक ले और रिवर्स स्वीप में मार ले, प्रॉपर रिवर्स स्वीप जिसे कहते हैं, जैसे कि डेविड वॉर्नर मारते हैं, या फिर फुलर लेंथ की बॉल हो बिना झुके गेंद की तह पे जाके उसको मारना आसान नहीं होता। ये देखिए रायगढ़ का टाइगर का तूफान चलता हुआ दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ऊपर का गेंद था घुटने टेक के डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। अच्छी बल्लेबाजी रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल द्वारा। ये देखिए जल्दी पिक किया इस लेन को, पिछला घुटना टेक दिया और घुटना टेक तमाशा देख डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। वहां पर देखिए दर्शक कैच करने का प्रयास लेकिन ये कैच छूटा। देखिए कुणाल अब जितनी देर, एक बार फिर से दिवाकर का ये अंतिम बॉल, फिर से हवाई फायर गेंद के नीचे इस बार क्षेत्र रक्षक मौजूद और जाना पड़ेगा उस्मान पटेल को। फाइनली कापू कुणाल, फाइनली दिवाकर डिड व्हाट ही वांटेड टू डू फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस ओवर। कापू का अच्छा जजमेंट मिड विकेट की ओर, बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास था, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए इस बार गेंद को बल्लेबाज उस्मान पटेल। और पहले ओवर का खेल समाप्त, पहले ओवर के समाप्ति के बाद 18 रन ट्राइडेंट नवी मुंबई एक विकेट के नुकसान पर। उस्मान पटेल अब चौथा जो कैच था वो लपका गया उस्मान पटेल का। यानी कि अब देखिए ये मैच कुणाल छोटा बॉल था, खड़े खड़े अपनी जगह से मारने का प्रयास किया था कॉर्नर की दिशा में, लेकिन ज्यादा जब ऑफ स्टंप का बॉल होता है तो आप उसे ऑन साइड में ज्यादा दूर नहीं खेल सकते और जिस वजह से गेंद लॉन्ग ऑन में गई, क्षेत्र रक्षक वहां पे मौजूद थे और कैच पकड़ा। कुणाल ये मैच काफी लंबे समय तक आपको और मुझे याद रहने वाला है क्योंकि पहले ओवर में आपको 2 जीवन दान मिले, उसके बावजूद फ्री हिट में भी कैच आउट हुआ और फाइनली चौथी बार जब आप आउट हुए हैं तो कैच आउट हुए, यानी कि कैचेस की प्रैक्टिस कराने आए थे उस्मान पटेल मुंबई से। आखिरी गेंद थी दिवाकर की, अच्छा लेग कटर का प्रयास था। एक्शन रिप्ले में हमने देखा कि उंगलियां महज फेर दी थी गेंद पर, अच्छा लेग कटर लेकिन नीचे नहीं रख पाए बल्लेबाज उस्मान पटेल, मिड विकेट पर पाए गए और यहां पर पहला झटका लगता हुआ ट्राइडेंट नवी मुंबई को और एक बड़ा विकेट फाइनली जिस विकेट की तलाश में थी टीम एसआरएस। तो फाइनली जिस विकेट की तलाश में दिवाकर को भेजा था एलके स्टार राजकोट के कप्तान ने, उस विकेट को लेकिन पहले ही बॉल में दिलवा दिया था लेकिन पैरों पे नियंत्रण नहीं था, फिर दिलवाया था पैरों पे नियंत्रण नहीं था लेकिन फाइनली पैर पे भी अपने नियंत्रण किया और उस विकेट को भी दिलाया और इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति पे 18 रन एक विकेट के नुकसान पे टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई। इस पूरे मैच को इस टीम के ओनर मिस्टर सुरेश राणा भी लाइव देख रहे हैं, अभी अभी उनसे मेरी बातचीत हुई और वो जानते हैं कि कितना अहम ये मुकाबला है और उनसे बातचीत करने का मौका मिला, यूपीएल के ऑर्गेनाइज़र हैं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कुणाल दाते जो मेरे साथ इस समय कमेंट्री में हैं, आप लोगों की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया, अपील हुई है। और कुणाल ये देखिए एक और विकेट का पतन टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई का। ये बड़ा विकेट है ट्राइडेंट नवी मुंबई का क्योंकि मुन्ना शेख एक सेंसिबल क्रिकेटर जाने जाते हैं, सेंसिबल बैटर, लेकिन टिप्पा खाने के बाद बाहर जाने वाली ये गेंद थी, ऑफ कटर का काफी बेहतरीन इस्तेमाल किया था गेंदबाज पपी द्वारा जो चंडीगढ़ पंजाब से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये अच्छी गेंद थी मैं तो कहूंगा। ये देखिए एक्शन रिप्ले में टिप्पा खाकर ये गेंद काफी बाहर मुड़ी और जब बाहर जाने वाली गेंद से आप छेड़छाड़ करोगे तो आपको डगआउट में जाकर आराम करना होगा। देखिए कुणाल ये जो छेड़छाड़ शब्द है ना ये कहीं भी जचता नहीं है,
अगर आप समाज में भी बात करें और आपको पता है कि छेड़छाड़ अगर आपने कहीं कर दी तो वो कितनी नुकसानदायक होती है, वही बात क्रिकेट में भी लागू है। देखिए हमारे ना जो पर्सनल लाइफ है उसके जो वर्ड्स हैं कॉमन वर्ड्स उन्हें हम क्रिकेट में यूज करें तो कहीं कहीं तो बड़ी इज्जत मिलती है, कहीं कहीं बड़ा उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यहाँ पे छेड़छाड़ की और अपना विकेट गंवाया बल्लेबाज ने, कांटा बदला गेंद ने बाहर को गया छेड़खानी की और कॉट बिहाइंड हुए बल्लेबाज मुन्ना। तो एक कुणाल दाते सर, कुणाल दाते सर आपको क्या लगता है जिस तरह से पहले ओवर में ही 18 रन बन गए थे उसके बाद एक अच्छा कमबैक किया है टीम एसआरके स्पोर्ट्स राजकोट ने? ये अच्छा बल्कि काफी अच्छा कमबैक मैं कहूंगा, क्योंकि पप्पी के हाथ में गेंद थमाई गई दूसरे ओवर में, जो पावर प्ले का दूसरा ओवर, तीन खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर है, दायरे के बाहर, लेकिन पहली गेंद जो ऑफ कटर थी टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलने वाली इस गेंद पर यहां पर विकेट मिला है, तो मैं कहूंगा ये एक अच्छे गेंदबाज है पनविंदर यानी कि पप्पी। गेंदबाजी में आते ही विकेट लिया गेंदबाज पनविंदर ने। सामने है बल्लेबाज दीनू के, दीनू कामले हल्के हाथों से खेला शॉट, रन चुराया है, देखना है कि नुकसान होगा या नहीं, और ये क्या जाना पड़ेगा बल्लेबाज को, अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी की, रनआउट के रूप में एक और विकेट का पतन हुआ, बिलाल को जाना होगा। कुणाल बिना खाता खोले गए हैं बिलाल इस मुकाबले में। जी हाँ, अगर देखा जाए नॉन स्ट्राइकिंग एंड के जो बल्लेबाज थे बिलाल, इन्होंने पहले कॉल किया था, दीनू ने कहा नहीं रुकिए जरा रुकिए, तो लेकिन गलती हो बैठी है बिलाल द्वारा, रनआउट के तौर पर तीसरा विकेट खो दिया है ट्राइडन लॉजिस्टिक नवी मुंबई ने, ट्राइडन नवी मुंबई ने, जबकि बिलाल ने रन बनाए जीरो। ये देखिए काफी आसान था वहां के खिलाड़ी के लिए, रनआउट किया इस बार सरोज ने। और कुणाल साथ साथ आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड खेल के अंदर कितना लगा के रखते हैं सरोज, क्योंकि जैसे ही उन्होंने देखा गेंदबाज खुद गेंद को लेने के लिए विकेट की ओर जा रहे हैं तो मिड ऑफ से बड़ी तेजी के साथ वो उन्होंने विकेट की ओर दौड़ लगाई, और जहां डायरेक्ट हिट मिस हुई है परविंदर की उसके बाद उन्होंने उसे गैदर करके रनआउट किया है बल्लेबाज बिलाल को। अच्छी बात आपने छेड़ी है पंकज जायसवाल जी, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी होता है जब आप फील्ड पर क्षेत्ररक्षक की भूमिका में होते हो, तो ये यहां पर दिखाया सरोज ने, परविंदर ने गेंद उनकी तरफ फेंकी, डायरेक्ट हिट मिस हुआ लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना काम किया, लेकिन यहां पर एक कम्युनिकेशन गैप नजर आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था दीनू कांबड़े द्वारा और आगे जा चुके थे बल्लेबाज बिलाल शेख। 18-3 टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए 65। इस पूरे इवेंट में अभी तक कुणाल दाते अगर हम इस मैचेस पे नजर डालें तो सिर्फ एक मैच ऐसा हुआ है जहां पे 56 के छोटे से टोटल को डिफेंड किया है टीम ने, और जिस तरह से बल्लेबाजी है इस टीम के पास नवी मुंबई के पास, तो आपको लगता है 62-6 ओवर के हिसाब से जितनी डेप्थ है इनकी बैटिंग में, क्या इस टोटल को डिफेंड कर पाएगी टीम एसआरके स्पोर्ट्स राजकोट? एक नहीं बल्कि 2 स्कोर यहां पर डिफेंड किए गए थे टीम HR11 दिल्ली रायगढ़ द्वारा, जब वो खेले थे ऑल मॉन्स्टर फ्रेंड्स कुवैत के खिलाफ, तब 55 रन उन्होंने डिफेंड किए थे, 56 का टारगेट था ऑल मॉन्स्टर्स फ्रेंड्स कुवैत के सामने। उसके बाद वाला मुकाबला 53 रनों का लक्ष्य, 54 रनों का लक्ष्य था नीलेश दादा भिंताड़े टीम के सामने। इस बार पटका हुआ गेंद कट शॉट खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने, गेंद के साथ कोई संपर्क नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय पनविंदर, रन किया है खर्च सिर्फ 1-3 गेंद और उन 3 गेंदों में मिले हैं विकेट 2, एक रनआउट और एक कॉट बिहाइंड, तो अच्छा कमबैक किया है टीम एसआरके स्पोर्ट्स राजकोट ने इस मुकाबले में। टॉप ऑर्डर ऑलमोस्ट बैक टू द डगआउट, एक बार फिर से चहलकदमी के साथ आगे आए लेकिन गेंद नीचे रहा जिस वजह से बल्ले का भी बॉटम लगी गेंद पे और गेंद गई लॉन्ग ऑन में, 1 रन चहलकदमी के साथ पूरा किया और छोर बदले दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंदबाजी परविंदर द्वारा, ये देखिए उस्मान आपके स्क्रीन पर आउट होकर पेवलियन की ओर जा चुके हैं, लेकिन शुरुआत काफी अच्छा रहा था इस मुकाबले में उस्मान पटेल द्वारा, उनके बल्ले से रन आने शुरू हुए थे कि उसके बाद उन्हें यहां पर आउट किया गया पहले ओवर की आखिरी गेंद पर।
इससे पिछले ओवर्स में हमारे दोनों ही साथी कमेंटेटर हरीश पांड्या सर और चंदू सेठे एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे थे। हम दोनों उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे इस ओवर के बाद या जहाँ पे भी हमें थोड़ा सा एक लंबा गैप मिले। फिलहाल सामने से चोको आई, बड़ा नाम दिल्ली क्रिकेट का, अपील हुई है LBW की लेकिन अंपायर पे उसका कोई भरोसा नहीं, डायरेक्ट हिट। ये देखिए बेल्स एलईडी लाइट ब्लिंक होती हुई लेकिन सुरक्षित मौजूद अपने एंड पे दोनों ही बल्लेबाज। लेग बाय का इशारा यहां पर आता हुआ, ये एक्शन रिप्ले काफी क्रूशियल होगा। जिस अंदाज में खेलने का प्रयास था रिवर्स स्वीप बल्लेबाज उमर खान द्वारा, अच्छी गेंदबाजी पनविंदर द्वारा, पपी इस नाम से ये जाने जाते खिलाड़ी चंडीगढ़ पंजाब से ये प्रतियोगिता खेलने आए हैं। 70-70 प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश लीग सीजन 3 में आपका स्वागत। इस बार दिनू कांबळे के बल्ले से रन नहीं आए, 3 गेंदों में महज 1 रन पर खेलते हुए नजर आ रहे दिनू कांबळे। दिनू कांबळे और उमर खान के रूप में इस समय चौथी जोड़ी मैदान में टीम ट्रेडेंट एंड नवी मुंबई के लिए। सामने है गेंदबाज परविंदर, इस बार मोटा एज, पतला नहीं बहुत मोटा एज, यहां तक उस निक की आवाज आई है और जाना पड़ेगा बल्लेबाज दिनू के को। एक और विकेट मिलता हुआ इस ओवर में और बहुत ही सफल ओवर साबित होता हुआ गेंदबाज परविंदर का। हां जी, विकेट कीपर है जॉन्टी सरकार, ये जॉन्टी रोड्स नहीं, ये जॉन्टी सरकार है। इस गेंद पर गेंद हाथ से छिटकी थी लेकिन नजरे जमाए रखे थे जॉन्टी सरकार। और ये देखिए एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर, मैंने पहले ही कहा था बल्ले से रन नहीं आए, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास था, काफी दूर से खेला था इस स्ट्रोक को बल्लेबाज दिनू कांबळे ने। एक बल्ले का मोटा सिरा लेकर एक बार हाथ से छूटी गेंद जॉन्टी सरकार के, लेकिन दूसरी बार कैद होती हुई हाथों में, जाना होगा दिनू कांबळे को। एकाएक यहां पर बल्लेबाज डगआउट की ओर जाते हुए नजर आ रहे 20-4 ट्राइडेंट नवी मुंबई। और नए बल्लेबाज ट्राइडेंट नवी मुंबई के लिए अशरफ खान इस समय थोड़ा सा बैक फुट पे है टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई, बट वी कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग इन दिस स्पॉट एज वी नो दैट एनीथिंग कैन बी डन एट एनी मोमेंट। हालांकि 4 विकेट जरूर खोए हैं टीम नवी मुंबई ने, लेकिन कुणाल हमने पिछले मुकाबले में देखा 4 ओवर्स में 45-50 के आसपास थी टीम और उसके बाद 80 रनों का टारगेट सेट किया था और छठे नंबर पे बल्लेबाजी करने आए थे बल्लेबाज। तो अभी भी कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी और अपने लिए रास्ते आसान करेगी सेमीफाइनल में पहुंचने के। कंपैरिजन अगर देखा जाए तो पहले इनिंग में 20 रन बनाए थे टीम ने और दूसरे इनिंग में 20 रन बना चुकी है टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई। 24 गेंदे 45 रन बनाने हैं टीम को जीतने के लिए। और कुणाल मुझे लगता है 24 गेंदों में 45 रन बनते हैं T20 क्रिकेट, 10PL की आप बात कीजिए, ये तो और भी शॉर्टर फॉर्मेट की क्रिकेट है, बनते हुए देखे हैं, आसान है बनना, ऐसा बड़ा स्कोर है नहीं, बस विकेटों का खेल। मुझे लगता है कि टीम SR के स्पोर्ट्स राजकोट के लिए ये विकेटों का खेल होगा, वो चाहेंगे कि एक आधे और विकेट लें जिससे कि ट्राइडेंट थोड़ा सा और बैकफुट पे जाएगी। फिलहाल गेंदबाज परविंदर ओवर हैट्रिक इस ओवर में आ चुका है, एक बार फिर से छोटा बॉल, अच्छा प्रहार उस पे लेकिन कव कॉर्नर पे फील्डर मौजूद, रन मिला मात्र 1। नई गेंदबाज सरोज कुणाल, सरोज परमानिक फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोलकाता। ये 3 नाम अगर मैं वेस्ट बंगाल को पिछले कुछ टाइम से फॉलो किया है टेनिस क्रिकेट को मैंने, तो कुछ नाम ऐसे हैं जो मेरे जहन में हैं, उसमें से एक नाम है सरोज परमानिक, एक है पीकू पॉल, एक है जगत सरकार। और अगर मैं आप मुंबई महाराष्ट्र क्रिकेट की बात करूं तो कुछ क्रिकेटर्स के नाम मेरे जहन में हैं, उसमें हैं कृष्णा सातपुते, उस्मान पटेल, आपके कप्तान योगेश पेंकर, बंटी जो गुजरात से हैं मूलतः और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, थॉमस डायस, अंकुर सिंह, ये कुछ बड़े नाम हैं टेनिस क्रिकेट के। और इस टूर्नामेंट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के स्टार क्रिकेटर प्रतिभाग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। इस बार छोटा गुड लैंड गेंद कट खेला, 1 रन मिलेगा जब तक कवर से क्षेत्ररक्षक आएंगे, पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। कुणाल
क्या कहेंगे आप टूर्नामेंट के लिए? अभी भी इस टूर्नामेंट में कुणाल कोई ऐसा स्टार आना बाकी है जो आपके नजर में है और आप जिसे मानते हैं कि एक्चुअल में वो टेनिस का स्टार प्लेयर है लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी तक उसने मैच नहीं खेला एक्सेप्ट पीकू पॉल और राहुल वर्मा, उनका आना बाकी है लेकिन इन प्लेयर्स के अलावा कोई और नाम? सुमित ढेकले का नाम मैं ऐड करूंगा जो अगले मुकाबले में आप उन्हें खेलते देख सकते हो क्योंकि टॉस उन्होंने जीता है गेंदबाजी करने का फैसला। ये देखिए उछाल अच्छा था गेंदबाज सरोज प्रमाणिक द्वारा, 21 गेंदे 43 रन। एग्जैक्टली उछाल अच्छा था लेकिन मुझे लगता है अगर कनेक्ट होती तो गेंद जाती क्योंकि जो पॉइंट का फील्डर है वो पॉइंट पे है, डीप पॉइंट पे कोई फील्डर नहीं है और यहां पे अगर पॉइंट के फील्डर को ये गेंद टपा देती सर के ऊपर से तो कोई दो राय नहीं होती, उसमें बाउंड्री मिलती। फिलहाल एक और रन मिलता हुआ इसी बीच दोनों बल्लेबाजों को और 23 रन 4 विकेट के नुकसान पे टीम ट्रिडेंट नवी मुंबई। तीसरा ओवर चलता हुआ 64 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है ट्रिडेंट नवी मुंबई। सरोज सामने अशरफ खान, इस बार छोटा पटका हुआ गेंद, अच्छा जवाब दिया उसपे, निमंत्रण दिया था जैसे गेंदबाज ने बल्लेबाज को पुल शॉट के लिए और जवाब दिया उनके उस निमंत्रण का छक्के के द्वारा बल्लेबाज अशरफ खान ने। अशरफ के बल्ले से आता हुआ मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर ये छक्का इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, काफी बेहतरीन पुल स्ट्रोक, हवा से बातें करती हुई ये फुल टॉस की गेंद सीधी डिलीवर्ड हो गई स्टैंड में। और ये देखिए रिप्ले में आप काफी उछाल लिया और अपना बैलेंस अच्छा बनाया बल्लेबाज ने और इस तरह से एक और छक्का पहला अशरफ खान का और जो प्रेशर था उसे रिलीज जरूर किया होगा शॉट ने। अशरफ खान ये बॉलीवुड में आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट प्रीमियर लीग में अच्छा खेलकर अब धमाका बिग बैश लीग में उनकी भूमिका इस मुकाबले में काफी अहम हो सकती है। एक छक्का लगा चुके रन संख्या 29। अशरफ खान एक बार फिर से लेंथ को पिक किया, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद है, जंप के साथ गेंद को सेव करने की जरूर कोशिश की उन्होंने लेकिन ये देखे छक्का और डकआउट से सारे उनके प्लेयर्स उस्मान पटेल सभी खिलाड़ियों ने उनके इस शॉट का स्वागत अभी अभी निंदन किया। ये देखिए फिर से एक बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर पुल कर दिया था इस गेंद को लेकिन दिनेश नाकरानी का ये अच्छा प्रयास था इस गेंद को रोकने के लिए, अच्छे टाइमिंग के साथ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज अशरफ खान 2 छक्के जड़ चुके इस ओवर में सरोज प्रमाणिक के खिलाफ। इसी के चलते 3 ओवरों का खेल समाप्त, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 35, 4 विकेटें खो चुकी है टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई। अब आने वाली गेंदे होगी 18 गेंदों में रन बनाने हैं जीत के लिए 30, 18 गेंदे 30 रन। अच्छा कमबैक किया है इस ओवर में अशरफ खान के इन 2 छक्कों की बदौलत, एक बार फिर से वापसी की है टीम ट्रिडेंट नवी मुंबई ने इस मुकाबले में। सरोज प्रमाणिक अनुभव की कोई कमी नहीं उनके पास लेकिन आज इस मुकाबले में ऊपर का गेंद और छोटा पटका हुआ गेंद दोनों ही गेंदों पे अच्छा अटैक किया अशरफ खान ने। कुणाल इसी वजह से मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था जब बल्लेबाज स्क्रीन पे अशरफ खान को देखा कि ये कोई फैमिलियर फेस है और आपने कहा कि बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, सेलिब्रिटी क्रिकेट खेलते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा अनुभव है कि सेलिब्रिटी क्रिकेट से अब आप ओपन लीग में आ गए और इतने बड़े मंच पे आप परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मींस इस बल्लेबाज में वेटेज है, इस बल्लेबाज में दम है। और ये देखिए इस समय 70-70 स्पोर्ट्स एक बड़ा नाम महाराष्ट्र रीजन में, न सिर्फ यूट्यूब के थ्रू दर्शकों को खींचते हैं बल्कि उनके पास स्पोर्ट्स की जर्सी, कस्टमाइज जर्सी, कैप्स, बैग सब चीज मुहैया कराते हैं वो अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोवर्स को। गेंदबाजी में एक बार फिर से परविंदर, कुणाल क्या कुछ देख रहे हैं आप इस ओवर में? जिस तरह से परविंदर ने पहले ओवर में 3 विकेट लिए थे और बड़े जल्दी वापस बुलाया एक बार फिर से परविंदर को कप्तान ने, तो 2 विकेट आए थे उस ओवर में, 1 रन आउट था। ये देखिए बल्ले का ऊपरी सिरा लेकर गेंद ट्रैवल होती हुई लॉन्ग स्टॉप रीजन में सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज उमर खान ने। उमर की रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 3 और
अब ट्राइडेंट नवी मुंबई की रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 36 गेंदे होंगी, 17 गेंदों में रन बनाने हैं जीत के लिए 29 ट्राइडेंट नवी मुंबई को। ये कड़ी चुनौती देती हुई टीम एलके स्टार राजकोट गुजरात, ये मुकाबला काफी संघर्षपूर्ण होगा, बड़ा होगा, कड़ा होगा, क्योंकि 4 विकेटें खो चुकी है टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई। कुणाल, मुझे अब ये लगता है कि परविंदर का ये ओवर काफी कुछ रिजल्ट्स दर्शकों के सामने लेके आएगा, क्योंकि अगर इस ओवर में विकेट्स गिरते हैं तो फिर से बैकफुट पे जाएगी टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई, और अगर रन आते हैं तो वापसी करेगी। ये पटकी हुई गेंद थी, इस बार अशरफ को जाना होगा, परविंदर का कमाल विकेट की डेप को हिट करना जानते, ये पटकी हुई गेंद थी, नहीं नीचे रख पाए बल्लेबाज अशरफ खान। इसके पिछली वाली ओवर में अगर कहानी देखी जाए तो 2 छक्के लगा चुके थे बल्लेबाज अशरफ, लेकिन इस गेंद को अगर पुल करने का प्रयास आप कर रहे हो तो मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में खेलने का प्रयास होना जरूरी था, लेकिन इस बार ये गेंद कवर्स की जानिब गई, वहां पर कोई गलती नहीं की किरण पवार ने, और जाना होगा अशरफ को डग आउट की ओर। 5 विकेट खो चुकी है टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 36, अब गेंदे होंगी 16 गेंदों में रन बनाने हैं 29। कुणाल, मुझे ये लगता है ना, आप जब भी ऑफ स्टंप से बाहर का गेंद, अगर वो शॉर्ट ऑफ लेंथ है और उस गेंद में गति है, अगर आप उस गेंद को डीप मिड विकेट या स्क्वायर लेग में मारने की कोशिश करेंगे तो नतीजे कुछ ऐसे ही आएंगे। ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर की गेंद को आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी ऑन साइड में खींचने की कोशिश करें, वो उस मनचाहे दिशा में नहीं जाएगी और वो गेंद ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग ऑन या फिर लॉन्ग ऑफ तक रह जाएगी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा अशरफ खान को। एक बार फिर से सफल साबित हुए हैं गेंदबाज परविंदर, पिछले ओवर में 3 विकेट लिए थे, 2 कैच आउट और 1 रन आउट के रूप में, और एक बार फिर से सफल ओवर साबित हुआ है। कुणाल, ये 4th ओवर है और मैं पहले भी कह रहा था कि इस ओवर में काफी कुछ रिजल्ट्स आपके पास सामने आएंगे। अब नए बल्लेबाज कृष्णा पवार पिंच हिटर के रूप में जाने जाते हैं, काफी लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके सामने पप्पी। अच्छा ड्राइव यहां पर कृष्णा पवार द्वारा, सिंगल के साथ यहां पर अपना खाता खोलते नजर आएंगे कृष्णा, सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 37, 37 रन, 5 विकेट के नुकसान पर टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई। अब गेंदे होगी 15 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 28। और जिस तरह से इस गेंद को गेंद पे स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज कृष्णा ने, वो दिखाता है कि वो गेम को क्लोज ले जाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि आते ही जल्दीबाजी करें जिस तरह से नॉर्दर्न हिमालयंस फाइटर्स के खिलाड़ियों ने की। यह अच्छी गेंद थी, गाइड किया था इस बार बल्लेबाज उमर खान ने, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है, उन्हें पता है कि एक लंबा हिट अगर बल्लेबाज द्वारा आ जाता है तो ये स्कोर कुछ बड़ा नहीं है टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई के लिए। रिक्वायर रन रेट लगभग 10 के करीब पहुंचता हुआ 38 पर 5, अब गेंदे होगी 14 गेंदों में रन बनाने हैं 27, एक लंबे हिट का फासला जरूर होगा इस मुकाबले में। ये देखिए आपके स्क्रीन पर हकीम जी, जो टीम के मैनेजमेंट, एक मैनेजर की तौर पर जाने जाते इस टीम के लिए, सफल होकर खेलने का प्रयास, काफी दूर कर बैठे इस बार पप्पी इस गेंद को, अंपायर का सिग्नल आता हुआ ये वाइड बॉल। देखिए ऑफ स्टंप से बहुत बाहर, कोशिश ये थी कि वाइड यॉर्कर करें या ऑफ स्टंप से बाहर 4th-5th डंडे के आसपास गेंदबाजी कराएं, लेकिन इस बार जैसे ही देखा बल्लेबाज ऑफ स्टंप की ओर सफल हो रहे हैं और उन्होंने ऑफ स्टंप में गेंदबाजी की और जिस वजह से वो वाइड हुआ है, एक अतिरिक्त रन खर्च हुआ है इस गेंद में गेंदबाज परविंदर से। परविंदर के खाते में 3 विकेट, महज 5 रन खर्चे उन्होंने, ये अच्छी गेंदबाजी परविंदर द्वारा, फिर से एक बार बिंदी गेंद, आखिरी गेंद अब करेंगे परविंदर इस ओवर की, अब तक महज 5 रन खर्चे परविंदर ने। ये देखिए टिपा खाकर बिल्कुल सीधी गई विकेट कीपर के हाथों में, और ये जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं कुणाल, मुझे लगता है या तो आप हल्का सा क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करें, उसे कट शॉट खेलें, या फिर आपको 1-2 स्टेप आगे टिप्पा जहां पे पड़ रहा है गेंद का वहीं से उसे लिफ्ट करना होगा, क्योंकि गुड लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। परविंदर की स्पेल की ये आखिरी गेंद, हाफ आर्म पुल कर दिया, शॉर्ट आर्म जैक,
यहां पर लगाते हुए बल्लेबाज कृष्णा पवार। ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ 10 की औसत से रन बना चुकी है टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 40 रन 5 विकेट खो दिए टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई ने। आने वाली गेंदें होगी शेष इस मुकाबले में 12 गेंदों में रन बनाने हैं 25। तो 2 ओवरों में 25 रनों की जरूरत है टीम नवी मुंबई, ट्राइडेंट नवी मुंबई को। एक कांटे का मुकाबला होता हुआ ये, क्योंकि यहां से कुछ भी कहना असंभव। और मुझे लगता है ना कुणाल कि कागज और पतंग में बस फर्क यही है, पतंग भी कागज से ही बनती है लेकिन कागज उड़ती है किस्मत से और पतंग उड़ती है अपनी काबिलियत से। तो आज मौका है बल्लेबाजों के पास अपनी काबिलियत दिखाने का। 12 गेंदों में 25 रन अगर बनाते हैं, और वहीं गेंदबाजों के पास भी आज मौका है ये साबित करने का कि कागज है ये एक्चुअल में हम पतंग हैं। हम देखना चाहेंगे उमर खान ये 12 गेंदे कैसे फेस करते हैं। एज अ कप्तान, एज अ लीडर, आप किस तरह से बल्लेबाजी करते हो टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई के लिए। उनके साथ कृष्णा पवार, मैंने पहले जिक्र किया था ये लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की परिस्थितियों में अटकी हुई नजर आ रही है टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई। उमर खान 6 गेंदे 4 रन, कृष्णा पवार 3 गेंदे 2 रन, 4 ओवर का खेल समाप्त, 10 की औसत से रन बनाए हैं टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई ने 40, 12 गेंदे रन बनाने हैं जीत के लिए अब 25। कुणाल, पिछले कुछ समय से हमने देखा है, चाहे आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें, शॉर्टर फॉर्मेट की जो भी गेम है जब चेस करने के लिए उतरती है टीम, तो जो सेकेंड लास्ट ओवर लेके आते हैं उस गेंदबाज पे सबकी बड़ी निगाहें होती हैं, पैनी निगाहें और नजरें होती हैं, क्योंकि ये वो ओवर है जो सेट करेगा इस मुकाबले का रिजल्ट काफी हद तक। पीटी जॉनसन ये करेंगे इस ओवर को। पहली गेंद पर अच्छा ड्राइव यहां पर करते हुए बल्लेबाज कृष्णा पवार, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया कृष्णा ने, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 41। अब गेंदे होगी 11 गेंदों में रन बनाने हैं 24। 11 गेंदों में 24 रन। कुणाल, आप गेंदबाज से भली भांति परिचित होंगे, आप जानते होंगे उनकी क्या स्ट्रेंथ है, और कप्तान ने अगर ऐसे समय पे एसआर के स्पोर्ट्स राजकोट ने अगर उन्हें गेंदबाजी सौंपी है तो यस, इस गेंदबाज के पास दमखम तो जरूर होगा, लेकिन आज ये देखना है कि उनका अनुभव, उनका दमखम क्या इस मैच को बना पाता है टीम एसआर के राजकोट के लिए या नहीं। आपको याद होगा पंकज जी, आज दोपहर के सत्र में जो मुकाबले खेले गए उसमें विवेक शेलार ने 12 गेंदों में जब 15 रनों की जरूरत थी, सामने वाली टीम जब उनके सामने खेलती नजर आई थी, नीलेश दादा भिंताड़े मेहताब अवध 11, तब एक बेहतरीन स्पेल दिखाया था, मैन ऑफ द मैच की किताब से नवाजा गया उनके उस स्पेल को। तो बिल्कुल उसी अंदाज से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं पीटी जॉनसन। हमने मिचेल जॉनसन को देखा है, तो ये पीटी जॉनसन क्या इस ओवर में वैसी गेंदबाजी करके दिखाएंगे टीम एलके स्टार राजकोट गुजरात के लिए। काफी कुछ डिपेंड करेगा इस ओवर पे। पीटी जॉनसन, अच्छी गेंद इनसाइड एज, विकेट कीपर के हाथों में कैद होती हुई ये गेंद, और यहां पर जाना होगा बल्लेबाज खुद कप्तान उमर खान को डगआउट की ओर। छटा झटका टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई को। एक बार फिर से वापसी करती हुई टीम एसआर के राजकोट, उमर खान जहां लग रहे थे सेट होते हुए नजर आ रहे हैं, कप्तान भी थे और जानते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, लेकिन पीटी जॉनसन आए और अपना काम कर गए। 10 गेंदे 24 रन, पहला मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए इस सीजन का, धमाका बिग बैश लीग 2022 का। 65 रनों की चुनौती थी, अब 10 गेंदे और 10 गेंदों में रन बनाने हैं जीत के लिए 24, 24 रिक्वायर्ड फ्रॉम 10। नए बल्लेबाज अनिकेत सानप, 6 विकेट का नुकसान। उमर खान अभी अभी डगआउट की ओर जाते हुए, ये देखिए ये था रीजन अनिकेत सानप जब बल्लेबाजी करने के लिए आए। उमर खान के बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में कैद होती हुई नजर आई, और यह छटा झटका लगा टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई को। 41 पर 6 गेंदे शेष, 10 गेंदों में रन बनाने हैं 24, 24 फ्रॉम 10। पीटी जॉनसन, अभी तक तो पीटी जॉनसन सफल हुए हैं, छोटा सा उनका रनअप है लेकिन नियंत्रण है गेंदबाजी पे,
लाइन और लेंथ पे ज्यादा भरोसा करते हैं बजाय गति के। ये थोड़ी सी आगे रखी थी गेंद को इस बार, लेकिन अच्छा ड्राइव यहां पर करते हुए बल्लेबाज अनिकेत सानप, उनका खाता खुलता हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 42। अब 9 गेंदों में रन बनाने हैं जीत के लिए 23, 9 गेंदे 23 रन। वैसे देखा जाए क्रिकेट में कहीं जो विशेषज्ञ होते हैं एक्सपर्ट या फिर जो फैंस भी हैं इस मुकाबले को देख रहे हैं, उनके नजरिए में तो कहीं ऐसा लगता होगा ना कुणाल की बस 2 छक्के 3 छक्के मारो और मैच को जीत जाओ, 9 गेंदे हैं 3 छक्के मार लेंगे तो 18 रन वैसे ही कवर हो जाएंगे, लेकिन आसान है क्या वो 3 छक्के मारना। इस बार गेंद को उछाल दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, कृष्णा पवार का वार, गेंद सीमा पार, ये आता हुआ 70-70 बिग बैश सिक्सर। प्रेशर रिलीज जरूर हुआ होगा इस छक्के से, देखिए वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की, एंटीसिपेट अच्छा किया था बल्लेबाज कृष्णा पवार ने, गेंद की तह पे गई और वहां से डाउन द ग्राउंड एक गगन चुंबी छक्का बल्लेबाज कृष्णा पवार के बैट से और प्रेशर को रिलीज करता हुआ ये छक्का। अच्छा भाप लिया था कृष्णा पवार ने, सफल होकर आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया 6 रनों के लिए। अच्छे टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते, लंबे हिट के लिए जाने जाते कृष्णा पवार, पवार का वार नहीं जाएगा खाली, एक लंबा छक्का उनके बल्ले से। अब यहां पर इक्वेशन बदलता हुआ 8 गेंदे 17 रन, 8 गेंदे 17 रन, ट्राइडेंट नवी मुंबई, दिलों की धड़कन यहां पर बढ़ती हुई इस मुकाबले से, रोंगटे जरूर खड़ी हो जाएगी इस मुकाबले से। देखिए दोनों ही टीमें काफी टूर्नामेंट साथ में खेलती है, जानती हैं एक दूसरे की स्ट्रेंथ क्या है और ऊपर के गेंद पे जितना अच्छा अटैक कृष्णा पवार ने किया है उससे थोड़ा सा संभलेंगे जरूर गेंदबाज पीटी जॉनसन और आने वाली जो गेंद डिलीवर करेंगे कोशिश ये होगी कि उनकी रेंज से दूर रखें गेंदों को। 8 गेंदे 17 रन, फुलर लेन की यॉर्कर का ये प्रयास था, अच्छा यहां पर खदेड़ दिया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की जानिब, वहां से जब तक के खिलाड़ी आते गेंद को उठाते 2 रनों का प्रयास और 2 रन यहां पर मिलेंगे बल्लेबाज कृष्णा पवार को। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 50 गेंदे शेष, 7 गेंदों में रन बनाने हैं 15, 7 गेंदे 15 रन। ट्राइडेंट नवी मुंबई के डगआउट पे भी बीच बीच में कैमरा प्रोफेशनल्स हमारे फोकस कर रहे हैं और दिखी है उनके माथे पे वो सिकन, वो चिंता की लकीरें, क्योंकि वो जानते हैं इस मैच की इंपॉर्टेंस। फिलहाल जिस छक्के की तलाश में थी टीम वो तो इस ओवर में आया है एक, लेकिन कोशिश होगी एटलीस्ट एक और बाउंड्री आए। और कुणाल अगर आखिरी ओवर में 12 से 15 रन के बीच में आप सामने वाले गेंदबाज के लिए देता है, ये गेंदबाज पीटी जॉनसन, तो थोड़ा सा आसान होगा। जी हाँ, ये गेंद काफी अहम होगी इस मुकाबले में, निर्णायक होगी इस मुकाबले में, आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर की पीटी जॉनसन, उनके सामने बल्लेबाज कृष्णा पवार, एक छक्का मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर लगा चुके, 6 गेंदों में 11 रनों की एक अच्छी पारी टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई के लिए खेल चुके बल्लेबाज कृष्णा पवार, 7 गेंदों में रन बनाने हैं जीत के लिए 15। अंतिम बॉल बहुत कुछ डिपेंड करता है ही इस अंतिम बॉल पे, बाउंड्री आती है तो चैन की सांस लेगी टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई। ये देखिए बाउंड्री नहीं, ये तो छक्का होगा, सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए, ये आता हुआ 70-70 एंड हेमंत बनियाल प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश लीग का सिक्सर। देखिए गेंदबाज पीटी जॉनसन फिर से वही गलती, पैरों पे डालने की कोशिश, लेकिन इस बार गेंद वही लेकिन बल्लेबाज का चेहरा अलग, अनिकेत के लेंथ बॉल को जल्दी पिक कर लिया इस बार कृष्णा पवार ने, पीछे हटकर इस गेंद को भेज दिया मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से, वहां पर थे 70-70 के मालिक तारिफ जी सैयद, एक हाथ से यहां पर कैच लेने का प्रयास उन्होंने किया था क्योंकि दूसरे हाथ में दो दो मोबाइल थे। सुमित जितनी नजरें आपकी मैदान के ऊपर हैं उतनी ही मैदान के बाहर भी हैं, लेकिन अब हमारे जो दर्शक हैं इस मैच को लाइव देख रहे हैं, एक मैच एग्जैक्टली यही कुछ हुआ था 1999 का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच चलता हुआ, 7 गेंदों में 15 रनों की दरकार थी और उस गेंद पे छक्का मारा था लास्ट क्लूजनर ने और उसके बाद स्कोर आ गया था 6 गेंदों में 9 रनों का। उस मुकाबले को एक वो मुकाबला एक्चुअल में टाई हुआ था
और डोनाल्ड दूसरे एंड से रन आउट हुए थे, तो ऑलमोस्ट वही जो स्कोर है इस समय स्कोर बोर्ड पे, 6 गेंदों में 9 रनों की दरकार। लेकिन कुणाल फासला है सिर्फ विकेटों का, उस मुकाबले में 9 विकेट हो चुके थे टीम दक्षिण अफ्रीका के, लेकिन यहां पे विकेट गवाए हैं सिर्फ 6 यानी 6 गेंदों में 9 रन। अंतिम ओवर पहला मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए, धमाका बिग बैश लीग 2022 में। 6 गेंदे 9 रन, क्या डिफेंड कर पाएंगे गेंदबाज सरोज प्रामाणिक। ट्राइडेंट नवी मुंबई के लिए एक अच्छी पारी खेलते हुए कृष्णा पवार, 2 छक्के। और मीनवाइल एक क्वेश्चन हम 70-70 यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी व्यूवर्स के लिए डालना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ल्ड कप रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, स्पेशली अगर बात करें सीनियर क्रिकेट की, जिसमें खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज मिली है और वो टीम सेमीफाइनल में ही आउट हो गई थी टूर्नामेंट से। ये चले सरोज अगली गेंद लेकर, इस बार इनसाइड एज लेकर गेंद, लॉन्ग स्टॉप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, ये आता हुआ 70-74। एक बार फिर से कुणाल, ये जिस तरह से हुआ है ये एक्चुअल में आप उस मुकाबले को देखिए 1999 का वर्ल्ड कप, 6 गेंदों में जब 9 रनों की जरूरत थी वहां भी लास्ट क्लूजनर नहीं माफ कीजिए स्ट्राइक पे डोनाल्ड आए थे, लेकिन पहली गेंद में उधर भी कुछ चौका जैसा हुआ था। फिलहाल 5 गेंदे 5 रन, रन बॉल इक्वेशन, 5 गेंदे 5 रन, अनिकेत सानप के बल्ले द्वारा ये 4 रन। रन आने जरूरी है, चाहे वो बल्ले के ऊपरी सिरे से लेकर आए या बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाए। अनिकेत सानप द्वारा ये 4 रन, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 60, 5 गेंदे 5 रन। फिर से एक बार सरोज प्रामाणिक, इस बार गेंद हाथ से छूटी, डेड बॉल यहां पर करार किया अंपायर द्वारा। अभी भी मुकाबले में जान यहां पर नजर आती हुई, एक अच्छा हाई एम एक्शन नजर आता हुआ, लेकिन जब वो रिलीज करने का प्रयास कर रहे थे गेंदबाज, तब गेंद हाथ से छिटकी सरोज द्वारा। फिर से एक बार सरोज, अनिकेत के लिए ये अच्छी गेंद थी, ये अच्छी गेंद थी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। अब रन आउट होकर डगआउट की ओर जाएंगे बल्लेबाज अनिकेत सानप। लेकिन आपने इस पूरे टेनिस क्रिकेट में कुणाल, मैंने एक चीज ये तो देखी है, बड़ी चलाकी से बल्लेबाज रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं। अगर वो पहले भाग जाते तो शायद रन आउट होते कृष्णा पवार, तो उन्होंने वेट किया, पहले कृष्णा पवार को आने दिया अपने पास, जानते थे एक न एक ने तो आउट होना ही है, आने दिया अपने पास, उसके बाद अपनी क्रीज छोड़ी और अपना बलिदान दिया है, क्योंकि कृष्णा पवार सेट हो चुके हैं 7 गेंदों में 17 रन उन्होंने इस मुकाबले में स्कोर किया है। तो यस, एक अच्छी रणनीति के साथ अपना विकेट दिया है अनिकेत ने। एक अच्छी बात यहां पर नजर आई कि अब स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे कृष्णा पवार, जबकि वो 2 छक्के जड़ चुके हैं। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नए बल्लेबाज मोहम्मद इमरान, औरंगाबाद महाराष्ट्र के ये खिलाड़ी कृष्णा पवार ने अच्छी बल्लेबाजी की इस टीम के लिए। 4 गेंदे 5 रन, 1-2 बिंदी गेंदे फिर से मुकाबले में एलके स्टार राजकोट गुजरात। एक बड़ा हिट मैच समाप्त, जीत जाएगी टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई। ग्रुप बी का यह पहला मुकाबला आपके सामने। ये चले सरोज, इस बार बल्ले का ऊपरी सिरा स्लिप वहां पर मौजूद और यहां पर जाना होगा कृष्णा पवार को। कहानी में ट्विस्ट, मैच में ट्विस्ट, यह मुकाबला अभी भी जिंदा है। सही कहा आपने, कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि गेंदबाज अपनी यूज की, इस बार रिस्ट गेंदबाज सरोज ने देखिए सफल होता हुआ ये ओवर, उनके पहले ओवर में रन आए थे बहुत महंगे साबित हुए थे सरोज, लेकिन इस बार अच्छी वापसी की है। कुणाल क्या लगता है आपको, अब 3 गेंदे और रन 5, 3 गेंदे 5 रन, अगर यहां से टीम एलके स्टार राजकोट ये मुकाबला बचा पाती है तो मेरे लिए मैन ऑफ द मैच किताब के असली हकदार होंगे सरोज प्रामाणिक। और कुणाल जब भी कोई इवेंट होते हैं, कोई भी मैचेस होते हैं, तो दोनों टीम के फैन फॉलोअर्स होते हैं, प्रशंसक होते हैं, एक चाहती होगी एलके स्टार राजकोट जीते, कहीं दर्शक ऐसे होंगे जो चाहते होंगे ट्राइडेंट नवी मुंबई जीते, लेकिन कुछ न्यूट्रल दर्शक होते हैं जो चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये मैच सुपर ओवर तक जाए।
जी हाँ, क्या यहाँ पर पहला सुपर ओवर हम देखने जा रहे हैं। गेंदे शेष होगी तीन, तीन गेंदों में रन बनाने हैं जीत के लिए पांच। ये चले सरोज प्रामाणिक, उनके सामने राजू मुखिया। पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास, सीधा विकेट कीपर के हाथों में कैद होती हुई ये गेंद। अच्छी गेंदबाजी सरोज प्रामाणिक द्वारा, ये वेस्ट बंगाल के अच्छे गेंदबाज। ये देखिए क्या गेंद में उछाल था, सीधी जाकर कैद होती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। अब गेंदें बची है दो, दो गेंदों में रन बनाने हैं जीत के लिए ट्राइडेंट नवी मुंबई को पांच। बड़ा ये जो गेंद अभी अभी हुई है, मौका नहीं था बल्लेबाज राजू मुखिया के पास इस बॉल पे, वो कुछ भी करते क्योंकि गुड लेंथ से गेंद इतनी तेज उनके शोल्डर लेंथ से निकली, उनके पास पुल करने का मौका नहीं। फिर से एक बार सरोज प्रामाणिक, स्लोर वन का प्रयास, सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास था, डीप में खिलाड़ी मौजूद, एक रन यहां पर पूरा होता हुआ, दूसरे की कोशिश, ये थ्रो अच्छा है और यहां पर एक रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। एक गेंद जीत के लिए चार रन। क्या मुकाबला हुआ, अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग मैच कुणाल, इस पूरे सीजन का सबसे इंटरेस्टिंग मैच हुआ है ये एक गेंद में। ये वो एक गेंद है जो, ये वो मैच है जो लास्ट बॉल तक गया है। हम कहते हैं ना कि दर्शक चाहते हैं मैच जो हो कांटे के हो, बिल्कुल 19-20 की एक भिड़ंत हो, और इस मुकाबले में वो हुआ है, आखिरी बॉल तक ये गेम गया है। हाई वोल्टेज ड्रामा, हाई वोल्टेज मैच, रोचक मैच आपके सामने। एक गेंद चार रन, होल्ड योर नर्व्स, और जो कमजोर दिल वाले हैं वो इस मैच को ना देखें आप। जी हाँ, मैं यही कहने वाला था कि ये मुकाबला अब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, बस दो मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। एक गेंद चार रन, और मैं तो ये कहूंगा जो दोनों टीमों के प्रशंसक हैं, अभी से अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे तो अपने मोबाइल्स को और अपनी टीवी से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि अगर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं गया तो कहीं आप वो मोबाइल पटक ना दें, और टीवी अगर आपके आसपास कुछ पेपर वेट है, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं तो उन्हें भी पहले ही दूर रख लीजिए, ताकि आपके हाथ में वो चीजें ना आए और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सेफ रहें। मैं प्रशंसा करूंगा गेंदबाज सरोज प्रामाणिक की, 9 रन उन्हें यहां पर आखिरी ओवर में डिफेंड करने थे, और उसमें अगर देखा जाए तो पहली गेंद पर यहां पर चौका जड़ दिया था बल्लेबाज ने। आखिरी गेंद पर चार रन मोहम्मद इमरान के लिए, ये स्लोर कटर, और यहां पर जीत चुकी है टीम एलके स्टार राजकोट गुजरात, परास्त किया टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई को सरोज प्रामाणिक। क्या ये आखिरी ओवर उन्होंने रन डिफेंड किया अपने टीम के लिए 9, और इस मुकाबले को जीत लिया है 3 रनों से टीम एलके स्टार राजकोट गुजरात ने। कॉन्ग्रेचुलेशन लखन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन टीम एलके स्टार राजकोट गुजरात। ये देखिए अंतिम बॉल, एक गेंद में चार रन की जरूरत थी, ऑफ स्टंप से पांचवे डंडे पे गेंदबाजी की सरोज प्रामाणिक ने, और इस तरह से जीत दर्ज की 70 धमाका बिग बैस लीग 2022 थर्ड सीजन के पहले मुकाबले में। बड़ी जीत ये एसआर राजकोट के लिए, और अब पोस्ट प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए, इस मैच के लिए पोस्ट प्रेजेंटेशन के लिए जुड़ते हुए हरीश पांड्या सर। व्हाट अ मैच,